लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हमने ये किया था कि जो सर्वर का टॉपिक था हमारा, उसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया था और एक रिएक्ट जेएस की वेब एप्लीकेशन बना के हमने, और उसको क्या किया था, अपने एक्सप्रेस वाले सर्वर भी होस्ट कर लिया था। तो अब ऐसा करने के बाद क्या हो गया था कि हमारा जो एक्सप्रेस का जो और नॉर्ड जेएस का सर्वर जिस मशीन में चल रहा था, उसी मशीन में हमारा फ्रंट एंड भी होस्ट हो गया था। ठीक है, तो हम दूसरी स्टेटिक होस्टिंग पे अब डिपेंडेंट नहीं है, हमें फायरबेस होस्टिंग की अब ज़रूरत नहीं है, हमें सर्ज की और नेटलीफाई होस्टिंग की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम एक ही सर्वर पे हमारी दोनों चीज़ हो गई। स्टिल जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आप चाहें तो आप थर्ड पार्टी होस्टिंग स्टिल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो आज हमने क्या करना है, आज हमने इस वेब सर्वर में, ठीक है, अच्छा ये जो देखो मैं दो तीन टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। एक मैं कह रहा हूँ कि एक्सप्रेस का सर्वर, या मैं कह रहा हूँ नॉर्ड जेएस का सर्वर, या मैं समटाइम्स सिर्फ सर्वर कह रहा हूँ, ये असल में एक ही चीज़ की बात होती है। देखो जैसे डेरी मिल्क है ना, डेरी मिल्क क्या है, चॉकलेट है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो लिखा हुआ है ना, वैसे तो ये एक्सप्रेस किया है लेकिन असल में है क्या, ये सर्वर है। तो जैसे डेरी मिल्क एक प्रोडक्ट का नाम है ना, एक नाम दिया हुआ है उसको, लेकिन एक्चुअल में है वो चॉकलेट। तो ये एक्चुअल में जो है ना सर्वर है, और अगर मैं मोर एक्यूरेट अगर बताऊं आपको नाम, तो ये वेब सर्वर है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने वेब सर्वर, ये किसी दूसरी लैंग्वेज में भी हो सकता था। अभी जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, सी शार्प में भी लिखा जाता है, PHP में भी लिखा जाता है। तो वेब सर्वर बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस, बहुत सारे अलग अलग फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं वेब सर्वर को बनाने के लिए। तो हमने जो ये लिखा है, हमने वेब सर्वर लिखा है, और हमने लिखा किस पे है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और जो फ्रेमवर्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्सप्रेस है। तो इसलिए सम टाइम मैं इसको वेब सर्वर बोलूँगा, जो कि चॉकलेट इसका एक्चुअल नाम है। जो सम टाइम इसकी मैं ब्रांड नेम लूँगा, ब्रांड नेम क्या है, एक्सप्रेस की ऐप या नॉट जे एस की ऐप, सही है, या नॉट जे एस का सर्वर या एक्सप्रेस का सर्वर, ये इसका ब्रांड नेम है। एक्चुअल में ये क्या है, वेब सर्वर है। ठीक है, तो हम असल में वेब सर्वर ये बना चुके हैं अभी तक। अच्छा, तो इस वेब सर्वर की क्या होंगी, APIs होती हैं। इस वेब सर्वर की क्या होती है, APIs होती हैं। अभी इस वेब सर्वर में कितनी APIs एक्सपोज मैं कर चुका हूँ, नंबर 1/ABC, ये एक API मैंने एक्सपोज कर दी। एक्सपोज करने का मतलब है कि अब इस API को कोई भी हिट कर सकता है और उसको जवाब मिलेगा, राइट। API एक्सपोज करने का ये मतलब होता है। ठीक है, अच्छा सेकंड, API नंबर 2/weather। ठीक है, स्लैश वेदर पे कोई भी गेट की रिक्वेस्ट भेजेगा, उसको कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा। ये सेकंड API है मेरी। ठीक है, ये मेरी थर्ड API है। तो टोटल 3 APIs मैं इसकी एक्सपोज कर चुका हूँ। ठीक है, इस तरह मैं और मजीद इसमें कई सारी APIs बनाऊंगा। तो ये जो स्लैश वेदर के नाम से मैंने एक API लास्ट टाइम लास्ट क्लास में ही आखिर में बनाकर दिखा दी थी आपको। अब ये API करती क्या है, जब इस API पे कोई भी रिक्वेस्ट भेजेगा, कैसे रिक्वेस्ट भेजेगा इस पर, अगर तो ये मेरा सर्वर मेरी लोकल मशीन पे चल रहा है, तो लोकल होस्ट और 3000 या जो किस पोर्ट पे चल रहा है, ये 5001, सही है। तो अगर मेरी मशीन लोकल मशीन में ये रन हो रहा है, यानी मेरे इस लैपटॉप में अगर ये सर्वर रन हो रहा है, तो इस API को हिट करने के लिए क्या करना होगा, गेट की रिक्वेस्ट करनी होगी, और URL होगा लोकल होस्ट :5001/weather। ठीक है, ये इसका URL होगा और रिक्वेस्ट होगी गेट की। अगर यही सर्वर मैं क्लाउड पे डिप्लॉय कर दूं, तो क्लाउड वाले मुझे क्या देते हैं, URL देते हैं। अगर मैं साइक्लिक पे डिप्लॉय करता हूं तो वहां से मुझे एक URL मिलता है, या रेलवे पे करता हूं वो भी एक URL देता है, हरी को भी एक URL देता है। किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे करूंगा वो सामने से मुझे एक URL देगा, तो वो URL/weather और रिक्वेस्ट होगी गेट की। ठीक है, तो दोनों सूरतों में मैं इस API को हिट कर सकता हूँ, मतलब ना सिर्फ मैं बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, वो मेरे ज़ाहिर क्लाउड तो पूरी दुनिया में एक्सेसिबल होता है। ठीक है, और अगर मैं लोकल मशीन पे कर रहा हूँ तो फिर सब लोग नहीं कर सकते, सिर्फ आप लोग कर सकते हैं जो सेम नेटवर्क पे मेरे साथ मौजूद हैं, सेम वाईफाई पे मौजूद हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने करना क्या है कि जब भी इस API पे रिक्वेस्ट आएगी मेरे पास, जब भी इस API को कोई हिट करेगा,
ठीक है, और अप्रोप्रिएट डेटा के साथ हिट करेगा, तो हमने क्या करना है, हमने उसको एक रिस्पॉन्स भेजना है, राइट right? हमने उसको क्या करना है, एक अदद रिस्पॉन्स भेजना है। अच्छा, ये जो API हम बना रहे हैं, ये API हम कौन सी बना रहे हैं? अच्छा, इस API को बनाने का ना, देखो एक तो ये वेब सर्वर है, वेब सर्वर की API होती ही होती है लाजमी, अगर API नहीं होगी तो उसको वो लोग उसको यूज़ कैसे करेंगे, सही है। अच्छा, API समझ लो, API किस चीज़ को कह रहे हैं हम, API को मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ, वर्ड API जो है एक टर्मिनोलॉजी जो API है, देखो एक गाड़ी होती है, सब लोग यहाँ पर ड्राइविंग जानते हैं नहीं जानते? अच्छा, वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन सब लोग यूज़ मतलब पता है ना कैसे चलती है सब, है अरे कैसी बात कर रहे हो, चलो दोनों बता देता हूँ, कुछ लोग ड्राइविंग जानते हैं, कुछ लोग वॉशिंग मशीन जानते हैं, सही है। तो देखो पहले गाड़ी से समझाता हूँ, फिर वही चीज़ वॉशिंग मशीन से समझा। देखो गाड़ी में बैठे हो, अब गाड़ी का जो इंजन है ना, वो उसको कैसे इंस्ट्रक्शन दोगे कि क्या करना है, भाई गाड़ी एक मशीन है ना, अपने तुम्हारे दिल में जो बात है वो उस मशीन को कैसे बताओगे? हाँ, एक्सीलेटर ब्रेक वगैरह स्टेयरिंग है, मिसाल के तौर पे अगर तुम्हें राइट मोड़ने का दिल कर रहा है तो उसको राइट घुमा दोगे स्टेयरिंग को, तो गाड़ी राइट मुड़ जाएगी, राइट। लेफ्ट घूमना है तो लेफ्ट घुमा दोगे, लेफ्ट हो जाएगी। अगर तुम्हें गाड़ी को रोकने का दिल कर रहा है तो ब्रेक दबा दोगे, गाड़ी रुक जाएगी। अगर तुम्हें गाड़ी को तेज़ चलाने का दिल कर रहा है तो तुम एक्सीलेटर दबाओगे तो गाड़ी और तेज़ चलेगी, जितना तेज़ दबाओगे उतना तेज़ चलेगी, सही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये API है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, गाड़ी की API है, जो कि गाड़ी की कंपनी ने आपके लिए एक्सपोज कर दिया है कि भाई ये स्टेयरिंग पकड़ो, इधर बैठ जाओ, स्टेयरिंग को घुमाओगे गाड़ी का इंजन समझ जाएगा कि राइट घूमना है, स्टेयरिंग लेफ्ट घुमाओगे तो गाड़ी का इंजन समझ जाएगा कि लेफ्ट घूमना है, समझ रहे हो? तो ये API है। अच्छा, इसी तरह वॉशिंग मशीन है, जो अब वॉशिंग मशीन लेफ्ट भी घूमता है राइट भी घूमता है, ऐसा ही है ना, दोनों साइडों पे घूमता है वो। अच्छा, फिर उसमें अब आजकल जो वॉशिंग मशीन है उसमें गियर्स भी होते हैं कि अगर आपने कोई बेड शीट वीट डाल दी ना भारी किस्म की, तो आपको फिर ऐसे गियर पे चलाना होता है जो जानदार है, एक जेंटल होता है और एक हैवी होता है, इस तरह कुछ नाम होता है। अगर आपने शर्ट्स वगैरह डाली हैं जो आप चाहते हैं कि वो फाड़ ही ना दे शर्ट को, तो आप जेंटल पे चलाते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा होला चले, वो स्लो चले, ठीक है, एक हल्का होता है, समझ रहे हो? तो अब वॉशिंग मशीन को कैसे घुमाना है, कैसे करना है, कितनी देर तक चलाना है, वॉशिंग मशीन का जो ऐसे बटन होता है ना, वो अगर पूरा घुमा दोगे तो 15 मिनट तक चलती रहेगी वॉशिंग मशीन, लेकिन तुम चाह रहे हो नहीं यार अभी न्यू शर्ट है उसको 15 मिनट तक धोना ज़रूरी नहीं है, 3-4 मिनट में भी चलेगा, तो तुम क्या करोगे, थोड़ा सा घुमाओगे, जहाँ तक 3-4 मिनट बता रहे हो वहाँ तक घुमाओ। तो ये अपने दिल की बात जो आप एक मशीन को बता रहे हैं ना, वो आप उसके लिए वॉशिंग मशीन जिस कंपनी ने बनाई है उसने API एक्सपोज कर दी है। अब जैसे ये पीछे AC रखा हुआ है, अब मैंने इसको क्या करना है, AC को कम या ज़्यादा करना है, तो कैसे करूँगा मैं? अगर ये ऊपर बटन जो इस AC पर लगा के दिया है कंपनी ने, अगर ये बटन नहीं होते तो मैं इसको तो ऊपर नीचे नहीं कर सकता था फिर, मतलब कंप्रेशर में हाथ डाल के थोड़ी उसको बोलूँगा कि भाई तेज हो जा। ऐसा हो सकता है कि मैं डायरेक्ट अंदर कंप्रेशर में हाथ डाल दूँ AC के? ऐसा नहीं हो सकता, ऊपर बटन कंपनी ने लगा के देने हैं हर हाल में। अगर ये ऊपर बटन नहीं होगा तो मैं इसको अपने दिल की बात नहीं बता सकता कि भाई ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए, ऐसा ही है ना। तो ये बटन जो है वो ये असल में API है। इसी तरह मेरा जो सर्वर है, मेरा जो सर्वर है, जाहिर है उस सर्वर में डायरेक्ट कोई अपना हाथ नहीं घुसा सकता, समझ लो क्लाउड में पड़ा हुआ है और वो एक सिक्योर मशीन है। वो एक क्या है, जो मेरा जो क्लाउड में जो मैं डिप्लॉय करूँगा ना, जहाँ पे सर्वर के सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है, मैं क्लाउड में किसी भी मशीन पे इसको रन कर सकता हूँ, तो जिस मशीन पे ये रन हो रहा है वो मशीन भी सिक्योर है, मेरे सर्वर का सॉफ्टवेयर भी सिक्योर है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं कुछ APIs एक्सपोज कर दूंगा, मतलब मेरे सर्वर से किसी को डेटा निकालना है, मेरे सर्वर पे मौजूद डेटा कोई गेट करना चाह रहा है, तो उसके लिए मैं क्या बना रहा हूँ, app.get/weather, कि भाई गेट की रिक्वेस्ट भेजो और स्लैश वेदर होना चाहिए, तो सर्वर को समझ आ जाएगा अच्छा ये वेदर मांग रहा है वो दे देगा, सही है। लेकिन अगर ये कोई बंदा ये डेटा गेट करना चाह रहा है कि कितने लोग इस वक्त लॉगिन है, कितने लोग इस वक्त लॉगिन है, तो मैंने वो API एक्सपोज नहीं की है, तो वो डेटा कोई गेट नहीं कर सकता, सही है। इसी तरीके से मैंने क्या किया, गेट और स्लैश टाइम करके एक बना दिया,
तो अगर इस पर इस API पर रिक्वेस्ट आती है तो मैं समझ जाऊंगा अच्छा यार ये टाइम मांग रहा है तो मैं उसको टाइम भेज दूंगा यहाँ से, समझ रहे हो? तो API समझ रहे हो कि जो चीज़ मैं एक्सपोज करूंगा एज ए API की सूरत में वही चीज़ कोई इस्तेमाल कर पाएगा, बाकी चीज़ें इस्तेमाल बंदा नहीं कर पाएगा। अच्छा ये बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने असल में एग्जाम्पल ना थोड़ी सी आउट दी है तो मैं वो भी ज़रा सा एक्सप्लेन कर दूँ, सही बात भी बता रहा। देखो API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एक होता है UI, सही है, और एक होता है API। अच्छा UI क्या चीज़ होती है? असल में जो मैं गाड़ी की एग्जांपल दे रहा था ना तो मैं बता रहा था कि यार स्टेयरिंग और ये सब ये API नहीं है वो असल में ना, उसकी जो सही बात है वो UI है, यूज़र इंटरफेस है। इस AC में जो बटन लगा हुआ है जो आप हाथ से जाके प्रेस करते हो दैट इज़ यूज़र इंटरफेस, ठीक है। अच्छा यूज़र इंटरफेस में और API में थोड़ा सा फ़र्क है, बारीक सा फ़र्क है, बिल्कुल थोड़ा सा बारीक सा फ़र्क है, ठीक है। जैसे इस मॉनिटर के ऊपर लगा हुआ ना पावर बटन, दबाता हूँ तो ये मॉनिटर ऑन हो जाता है, तो दिस इज़ यूज़र इंटरफेस। जो अच्छा यूज़र इंटरफेस में और API में छोटा सा चुन्ना मुन्ना सा फ़र्क है, बारीक सा, वो ये है कि यूज़र इंटरफेस इंसानों के लिए बनाया जाता है और API इंसानों के लिए नहीं बनाया जाता। API को कभी कोई इंसान डायरेक्ट कॉल नहीं करेगा, API को बनाया जाता है दूसरी मशीन के लिए, सही है। हंस रहे क्यों? नहीं जानवर भी तो जानवर के लिए भी जो बनेगा वो भी यूज़र इंटरफेस ही होगा, यूज़र इंटरफेस ही होगा वो भी, ठीक है। बायोलॉजिकल जितने भी बीइंग्स हैं उनके लिए जो बनेगा वो यूज़र इंटरफेस ही होगा। हाँ ये अब तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया। तुम्हें पता है बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो डॉग्स के लिए बने हुए हैं, हाँ कैट्स के लिए बने हुए हैं, बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जो डॉग्स के लिए और कैट्स के लिए बनाई गई हैं। तुम्हें पता है ना डॉग को बड़ी अहमियत देते हैं वेस्ट में, अमेज़ॉन में उन्होंने डॉग भी हायर किए हैं बंदों के साथ, जी हाँ उनकी सैलरी है, उनकी सैलरी होती है, पता है आपको ये बात, उनके इंक्रीमेंट भी लगता है। हाँ वो काम ये करते हैं कि ऐसे चार बंदे बैठे हैं ना डेस्क पे लाइन से तो पांचवा वो डॉग होता है, उसका काम होता है इंटरटेन करना बंदों को, मतलब एक माहौल बना रहता है, सही। अभी तुम लोग नहीं समझ सकते उनके जज्बात, उन डॉग्स को लेके उनके जज्बात काफ़ी जो है ना नहीं वो जो उसको सैलरी मिलती है ना उसका बैंक अकाउंट भी खुला हुआ होता है उसके नाम से। हंस रहा है, कैसे हंस रहा है देखो इसको। सही बता रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ तुम्हें, मेरे डेटा ये पता नहीं कितने कितने थाउजेंड डॉग्स इन्होंने हायर किए ना। भाई बेरोजगारी हो रही है तो अभी क्या करें, तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है वो वाला जो डॉग के अंदर है। देखो अभी हम एक टिक्के की दुकान पे जाते हैं ना तो वहाँ पे बिल्ली आती है, उस बिल्ली का फंडा बहुत क्लियर है, उसका फंडा ये है कि भाई आराम से वो अंगड़ाई लेते हुए आती है सो के उठ के, उसको आना है टिक्के की दुकान पे, और टिक्के की दुकान पे आके ना उसने चार क्यूट हरकतें करनी है, उसको खाना वाना कोई दे देगा, बस वो खा पी के उसने दोबारा जाके सो जाना, ज़िंदगी का फंडा उसका बहुत क्लियर है। ये तुम लोगों वाला सीन नहीं है कि नहीं भाई पहले गाड़ी लेंगे फिर घर बनाएंगे फिर शादी करेंगे फिर पता नहीं क्या करेंगे, ये वाला नहीं है। हाँ उसको पता है भाई मैंने रोज़ सो के उठना है शाम को 4-5 बजे, मतलब आवारागर्दी करनी है, घूमना है, और 4-5 बजे इधर आके ना मैंने चार क्यूट हरकतें करनी है तो मुझे कोई ना कोई मतलब जो खा रहे हैं बैठ के लोग उसमें से कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा, और इतना मिल जाएगा कि मेरे लिए इनफ है। और उसके इतने नखरे हैं उस बिल्ली के, उसको अगर हड्डी वड्डी दे दो ना नहीं खाती भाई, वो टिक्के की दुकान की बिल्ली हड्डियाँ क्यों खाएगी यार, मतलब उसकी शान के खिलाफ है। हाँ नहीं हड्डियाँ वड्डियाँ नहीं भाई, सूंघ के छोड़ देती है वो। तो अमेज़ॉन में जो डॉग्स है ना उनका भी यही काम है, उनका काम है वो चार क्यूट हरकतें करें और इंटरटेन करें थोड़े जो बैठे हुए बंदे, फिर बंदे होते हैं ना थोड़े कुछ, अभी वेस्ट में बता रहा हूँ ना आप उनके जज्बात नहीं समझ सकते, डॉग्स को लेके उनके बड़े अलग जज्बात हैं, वो बताते हैं भाई आजा गोद में बिठा के कुत्ते को ऐसे प्यार करते रहेंगे साथ साथ कोडिंग भी करते रहेंगे, वो मतलब ऐसा वाला सीन है। बाकी उन मेरे ख्याल है उन डॉग्स को जो सैलरी मिलती है ना वो उन्हीं के ऊपर खर्च होती है, उनके खाने पीने पे, उनके कपड़ों पे, मतलब वो जो रिंग विंग पहनते हैं ना गले में, और फिर उनकी ग्रूमिंग श्रूमिंग होती है। आपको पता है डॉग्स की ग्रूमिंग बहुत महंगी होती है,
मतलब 20-25 हज़ार तक लग जाते हैं, उनके बाल वाल कटेंगे ना, मूछें मूछें बनेंगी, सेट वेट होगा सब ऊपर नीचे तक, तो फिर वो वॉश होगा, वो मतलब उनके शैम्पू वैम्पू आता है, उनका वो परफ्यूम होता है, पता नहीं आप लोगों ने वो चीज़ें, डॉग के बड़े शशके लगे हैं भाई उधर। सही है, डॉग के ना ट्रीटमेंट सेंटर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर, कभी ब्यूटी पार्लर गए हो तुम? नहीं गए ना, बस 200 रुपये दे के बाल कटवा लेते हो। हाँ, तो बस यही बात है ना, उनके लिए ब्यूटी पार्लर ट्रीटमेंट सेंटर्स होते हैं, वो हर तरह की जो भी ट्रीटमेंट होती है ना डॉग्स की, अब उसका कोई दांत में दर्द हो रहा है, उसको पेट खराब हो गया उसका, मतलब किसी किस्म की वेट्स होते हैं वहाँ पे, और उसकी ग्रूमिंग श्रूमिंग कटिंग वटिंग सब कुछ होता है उनके। सही है, तो मतलब उनके मुंह से भी खुशबू आ रही होती है, ऐसा वाला लेवल है उनका। सही, ऐसा से कमतरी का शिकार नहीं हो जाना। तो बाकी बस उनका यही है, जो भी उनको पैसे उनके मिलते हैं ना, वो उन पे ही एक्सपेंस होता है, और कभी अगर उसकी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए तो उसी पे खर्च किए जाते हैं, शायद इस तरह का कुछ है। आप अगर वो देखना चाहते हैं ना कि कौन कौन से डॉग्स हैं, तो यहाँ लिखोगे ना जाके अमेजोन डॉग्स, ये रहा मीट द डॉग ऑफ अमेजोन, 8,000 डॉग्स हैं भाईजान, ये देख रहे हो ऐसे वाले हैं। अब वो सैलरी तो भी, ये देख रहे हो कैसे वाले डॉग्स हैं इनके पास, ये ऐसे वाले हैं, ये देखो तो हल्के में ले रहे हो यार डॉग्स को, ये देखो अमेजोन की इसने टोपी भी पहनी हुई है। अच्छा नहीं, गूगल में भी है, एप्पल में भी है डॉग्स, सब जगह वेस्ट में सब जगह डॉग्स रखे हुए हैं। अच्छा कैट्स भी हैं, डॉग्स भी हैं और कुछ कैट्स की भी तादाद है, नहीं इंसान बहुत है भाई, 80,000 तो एम्प्लॉई उन्होंने सिर्फ अलेक्सा पे लगाया है, देख रहे हो। ये देख रहे हो कैसे ही आगे पीछे घूम रहे हैं, भाग रहे हैं। देख रहे हो, ये देखो एम्प्लॉइज कैसे खेल रहे हैं इस डॉग से। देख रहे हो, इससे माउस चलाना सिखा रहे हैं इसको, चीजें फेंक रहे हैं, उठा उठा के ला रहा है भाई, फुल स्लोमो चल रहा है इनका। ये देख रहे हो अमेज़न के डब्बे में से निकला है। अच्छा वेल, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ मैं ये बता रहा था कि जो एक होता है यूजर इंटरफेस, तो यूज़र इंटरफेस जो होता है ना इंसानों के लिए या जो एनिमल्स हैं उनके लिए जो बनाया जाता है वो यूज़र इंटरफेस होता है। अच्छा मैंने तुम्हें ये भी बोला कि कुछ बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारी मशीन्स एनिमल्स के लिए बनाई जाती हैं, तो कौन सी मशीन होती हैं वो, कोई बता सकता है? वैसे तो सॉफ्टवेयर इंसानों के लिए बनते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जो एनिमल्स के लिए बने हुए होते हैं और एनिमल्स खुद आके उसको यूज़ करते हैं, कौन से हैं वो सॉफ्टवेयर? हाँ, ऑटोमेटेड वाटर बॉल्स आते हैं, जो अभी वेस्ट में जो, हाँ वेस्ट में जो कैटल्स होती हैं ना, जब वो पानी पीने के लिए जब आती हैं वो, क्योंकि पानी वहाँ पे पड़ा रहेगा तो फ्रेश थोड़ी ना रहेगा वो, तो वो उनकी ट्रेनिंग हो गई ऐसी कि वो आते हैं गमले के पास, तो वो उनके गले में ना टैग्स वैग्स लगे हुए होते हैं, तो वो पता चल जाता है कि कैटल अभी इधर आ गई है, मुँह रखा हुआ है उसने पानी के लिए, तो उसी वक्त पानी आता है फ्रेश और वो उसको पीते हैं, फिर जो बचा हुआ होता है वो दोबारा घूम के पीछे चले जाता है ताकि फ्रेश वाटर मिले उसको हमेशा। तो उसको, गाय को इतना आइडिया है कि इधर मतलब पानी नज़र नहीं आ रहा उसको, लेकिन उसको इतना आइडिया है, वो वक्त के साथ साथ ट्रेनिंग हो गई है कि इधर आऊँगी मैं तो मुझे पानी मिलेगा, ऐसा वाला सीन है उनका। ठीक है, इसी तरीके से वो जो कैट की ना, अभी एक एक्सरसाइज की मशीन देख रहा था मैं, कैट एक्सरसाइज मशीन है, वो गोल्स होता है रिंग सा, उसके ऊपर बस चढ़ा दो वो भागती रहती है कैट, फिर पतली हो जाती है। ये रियल मशीन है, ये आपको अमेजोन से मिल भी जाएगी, ये देख रहे हो, जो बिल्ले ना मोटे वोटे हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा ओबीस हो जाते हैं, उनके लिए होता है ये, तो वो रखा होता है साइड पे, शुरू शुरू में तो उसको ट्रेन करना पड़ता है कि अच्छा भाई तू इधर खड़ा हो, इधर ऐसे घूम, ऐसे भाग,
लेकिन थोड़े दिन बाद उसको वो खुद ही समझ आ जाता है, वो आता है उस पर खुद ही भागना शुरू हो जाता है बिल्ला। ये बिल्लों के लिए, बिल्लियों के लिए होता है ये, ठीक है। इस तरह ये और भी अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग शेप्स में देख रहे हो, ये बिल्ली के लिए बनाया गया ये। तो इसका ये यूज़र इंटरफेस है। अबे ये महंगा है काफ़ी वैसे, देख रहे हो। बिल्ली को ट्रेडमिल का भी पता है, कुछ ट्रेडमिल पे डायरेक्ट दौड़ा रहे हैं। सही है। सॉफ्टवेयर डिजाइंड फॉर एनिमल्स, ठीक है। तो कुछ हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, नहीं ये तो जू सॉफ्टवेयर आ गया, हाँ ये रहा लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, वो जो अभी मैं जिक्र कर रहा था ना कि कैटल आती है सामने तो खुद ही पानी आता है, तो ये लाइव स्टॉक मैनेजमेंट के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी यहाँ पे लिस्ट आ रही है। वेल तो एक होता है यूज़र इंटरफेस जो ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए बना हुआ होता है। नंबर दो होता है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये क्या होता है कौन बता सकता है? हाँ नहीं, मेरा सवाल ये है कि यूज़र इंटरफेस में और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या फ़र्क है? बिल्कुल इन्होंने सही बताया कि जो यूज़र इंटरफेस होता है ना वो तो एक्चुअल, जैसे इस मॉनिटर में एक्चुअल पावर बटन लगा हुआ है, मैं क्लिक करता हूँ तो स्टार्ट होता है ये, राइट। इस एसी के ऊपर एक फिजिकल बटन में जाके टच करता हूँ तो वो स्टार्ट होता है। कैमरा जैसे होता है, जो आपने कैमरा अगर देखा हो, वो रील वाला जो कैमरा होता है ना, उसके ऊपर फिजिकल एक बटन होता है, उसको दबाते हैं तो वो पूरा घूमता है अंदर से, ऐसे करके आवाज़ आती है, फिर वो फोटो खिंच करके खींचता है, राइट। तो वो यूज़र इंटरफेस है, एक फिजिकल बटन है, एक एक्चुअल चीज़ है वो। अगर वही चीज़ ना, जैसे किसी ने DVD प्लेयर्स देखे हैं अभी, तो मतलब पुरानी बात हो गई, DVD प्लेयर्स अब हैं नहीं, PC वाले भी सही है, वो भी DVD प्लेयर है, लेकिन एक्चुअल एक DVD प्लेयर होता था। उस DVD प्लेयर में एक वॉल्यूम का नॉब होता था घुमाने का, सही है, एक बटन होता था प्ले का, एक पॉज का बटन होता था, एक फॉरवर्ड का, एक रिवाइंड का बटन होता था, जो चलती भी वीडियो को फॉरवर्ड रिवाइंड हम कर सकते थे। उसमें DVD डालते थे और DVD डालने के बाद आपको क्या करना होता था, प्ले का बटन दबाना होता था एक्चुअल में, और नेक्स्ट का भी बटन होता था, प्रीवियस का भी बटन होता था। तो वो जो बटन्स थे वो यूज़र इंटरफेस था, वो UI था, वो एक्चुअल UI था। लेकिन VLC प्लेयर में भी वही सारे बटन्स हैं, लेकिन उसका ग्राफिकल फॉर्म है। तो हमने क्या सीखा कि एक्चुअल यूज़र इंटरफेस को अगर मिमिक किया जाए किसी सॉफ्टवेयर में, वो जैसे यानी VLC प्लेयर में जो प्ले का बटन है वो दैट इज़ नॉट अ फिजिकल बटन, वो ऐसा लगता है, मतलब उसको उन्होंने मिमिक किया है, DVD प्लेयर पे जो बटन्स होते थे उसको मिमिक किया हुआ है, दैट इज़ नॉट एन एक्चुअल बटन। ऐसा लग रहा है आपको कि यार अच्छा ये बटन है, इसको मैं दबाऊंगा तो वो दबा नहीं रहे, एक्चुअली आप क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। DVD प्लेयर में तो थंब से प्रेस करना होता है उस बटन को, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस हो या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो, बोथ आर डिज़ाइंड फॉर ह्यूमंस, कि VLC प्लेयर का बटन एक ह्यूमन प्रेस करेगा। अच्छा, फिर आता है नंबर 3 पे API, जो अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। API जो है वो ह्यूमंस के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता है, API एक दूसरी मशीन के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पे जो मैं यहाँ पे वेब सर्वर बना रहा हूँ इस वक्त राइट नाउ, और इसमें जो मैं APIs एक्सपोज कर रहा हूँ, जो मैं बार बार वर्ड के API एक्सपोज जो मैं कर रहा हूँ ना, ये API कभी भी कोई ह्यूमन डायरेक्ट इसको नहीं यूज़ करेगा। इस API को कौन यूज़ करेगा? एक दूसरा सॉफ्टवेयर। API हमेशा किसके लिए बनाया जाता है? एक दूसरी मशीन के लिए, एक दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए। जब दो सॉफ्टवेयर आपस में बात करना चाहते हैं ना, यानी एक यूज़र, एक ह्यूमन और एक मशीन जब आपस में बात कर रहे हैं, तो ये किसके थ्रू कर रहे हैं? यूज़र इंटरफेस या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ज़रिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक मशीन जब एक मशीन से बात करती है तो वो हमेशा किसके ज़रिए बात करती है? API के ज़रिए।
ठीक है। अच्छा, अभी मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि मेरा जो वेब सर्वर है, ये वाला मेरा वेब सर्वर है, इसकी API एक्सपोज हुई हुई है, राइट। अच्छा, APIs ना सिर्फ वेब सर्वर की एक्सपोज नहीं होती, जितनी भी मशीन दुनिया में मौजूद है ना, जितनी भी मशीन मोर और लेस, उसमें यूज़र इंटरफेस भी होता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी होता है, दोनों होते हैं उसके। लेकिन आपको एज अ यूज़र सिर्फ UI नज़र आती है उसकी, API से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आपको पता ही नहीं होता कि इसकी कौन कौन सी API एक्सपोज है, समझ लो। जितनी भी मशीन होती है दुनिया की, ज़्यादातर मोर और लेस उसमें यूज़र इंटरफेस भी होता है और API भी होता है उसके अंदर, समझ रहे हो इस बात को। जैसे ये पीछे आपके AC पड़ा हुआ है, अब इस AC का जो यूज़र इंटरफेस है ना, वो तो सामने की LCD है जिससे आपको दिख रहा है कि अच्छा 28 डिग्री है, अभी बटन्स हैं ऊपर नीचे करके फैन मोड चेंज करने के, ये क्या है इसका यूज़र इंटरफेस है। क्या इसकी कोई API भी है? जो रिमोट बात करते हैं ना जब इससे, तो वो इसकी API है। हाँ, मतलब रिमोट इससे कैसे बात कर रहा है, आपको दिख नहीं रहा सामने, लेकिन इसका एक साइड से भी रास्ता है। रिमोट जाके बटन तो नहीं दबाता ना, आप जब यहाँ से रिमोट प्रेस करते हैं, जब आप रिमोट इज अ मशीन, राइट। रिमोट जो है इस AC का, दैट इज अ कंप्लीट मशीन, क्योंकि उसमें पावर सोर्स बैटरी की सूरत में मौजूद है और वो वायरलेस है, मतलब तो रिमोट इज अ कंप्लीट मशीन। तो जब आप रिमोट का बटन प्रेस करते हैं और वहाँ पे AC तक ये बात पहुँच जाती है, तो इसका मतलब है रिमोट ने उससे बात की है ना, उसको बताया है कुछ। कैसे बताया है? कोई API एक्सपोज है जिसके ज़रिए बताया, राइट। कोई API एक्सपोज है, या मिसाल के तौर पर आजकल जो नए वाले AC आ रहे हैं, वो गूगल असिस्टेंट से भी कनेक्ट हो जाता है। तो मैं अगर अपना गूगल असिस्टेंट फ़ोन निकाल के बोलूँ ना कि भाई ओके गूगल टर्न ऑफ माई AC, तो अब गूगल उस AC को कैसे ऑफ कर देता है? गूगल ने जाके उसका बटन तो नहीं प्रेस किया, ठीक है। तो इस AC के अंदर कोई API एक्सपोज है, कोई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मौजूद है, और गूगल ने उस API को यूज़ करते हुए उस AC को बंद कर दिया या खोल दिया या उसका टेम्परेचर ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। एक थर्मोस्टैट भी आता है, थर्मोस्टैट किसी ने देखा है? थर्मोस्टैट ना एक छोटी सी डिवाइस होती है, अगर आपको मैं शक्ल उसकी दिखा पाऊँ। अब ये थर्मोस्टैट क्या होता है और ये कैसे काम करता है? ये कुछ इस तरह की चीज़ होती है जो जदीद वाले हैं, ठीक है, पुराने वाले थोड़े शायद इस तरह के होते थे। अब ये थर्मोस्टैट कैसे काम करता है, कोई बता सकता है? किसी को पता है? रूम का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है? सोचो, देखो AC में ना आपने बोला कि 26 डिग्री पे सेट हो जाओ, ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं। AC को आपने बोला कि किस पे सेट हो जाओ, 26 डिग्री पे सेट हो जाओ। अब AC काम असल में ऐसे करता है कि कंप्रेशर के ज़रिए हवा को ठंडा करता है वो, और हवा को ठंडा करके ना ये थ्रो करता है, ये सामने, ये जिस रूम में आप बैठे हैं यहाँ पे, आपके पीछे बिल्कुल कोने में वो AC पड़ा हुआ है, और इस AC की हवा जब AC से निकलती है तो आप लोगों से होते हुए ये मुझ तक पहुँचती है, यानी कमरे के फ्रंट तक पहुँचती है, राइट। ऐसा ही है ना? अच्छा, वो जब पहुँच जाती है ना ऐसे, तो AC के पीछे एक इनलेट है, वो असल में कमरे की हवा को कमरे में घुमा रहा होता है ना, बाहर की हवा नहीं ला रहा होता ये AC, कमरे की हवा को, तो वो थ्रो यहाँ तक आया और यहाँ से फिर वापस घूम के वो उस AC के पीछे से अंदर जाता है। तो जब AC के पीछे से घूम के वो अंदर आता है ना, तो वहाँ पे एक टेम्परेचर का सेंसर लगा हुआ होता है, वो उस हवा को मेजर करता है कि जो वापस आई है ना हवा घूम के, इसका टेम्परेचर क्या है। तो मैंने अगर बोला था AC को कि भाई 26 पे आप सेट हो जाओ या 22 पे सेट हो जाओ, तो और कमरे का टेम्परेचर था 30, तो 6 डिग्री नीचे लाना है AC में, तो वो जो घूम के हवा अंदर गई है ना AC के, उसको वो मेजर करता है। जब तक वो हवा 22 नहीं हो जाती ना, AC चलता रहेगा, जैसे ही वो 22 हो जाएगी AC रुक जाएगा, समझ रहे हो बात को। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम है,
अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि एसी का जो थ्रो है ना, क्योंकि ये कमरा काफ़ी बड़ा है, मेरे ख्याल है 40 फीट से ज़्यादा बड़ा कमरा है, उस एसी का थ्रो ना यहाँ तक उतना ज़्यादा नहीं आ रहा। मुझे इस जगह पे, मतलब एसी के बिल्कुल पास जाओगे तो वो तो ठंडक होगी, मुझे इस जगह पे 22 डिग्री चाहिए। सही है, तो अब होता क्या है, ये जगह इतनी ठंडी हो नहीं पाती है, एसी की हवा वहीं से नीचे आती है, वो वापस सक कर रहा होता है, तो उसको लगता है यार हो गया पूरा कमरा 22, लेकिन असल में होता नहीं है, समझ रहे हो। जो करीब बैठे हुए एसी के उनको बहुत ठंड लग रही होगी अभी यहाँ तक, लेकिन उतनी ठंड नहीं आ रही। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर हम वो सेंसर जो उसके पीछे इनटेक में लगा हुआ है, उस सेंसर को उठा के अगर मैं यहाँ लगा दूँ, मेरे पास लगा दूँ, और वो सेंसर ये मेजर करे कि यहाँ पे 22 डिग्री हुआ है कि नहीं हुआ, उधर तो हो ही जाएगा, फौरन हो जाएगा, इधर होना चाहिए 22 जब तक एसी को वो रुकने ना दे। सही है, तो अब यहाँ पे एक थर्मोस्टेट है जो एसी से कनेक्ट है, किसी तरह कनेक्ट है, अभी वो छोड़ देते हैं हम कि वो कनेक्ट कैसे होता है, जैसे रिमोट कनेक्ट है वैसे ही होता है एक्चुअली। सही है, कोई एपीआई है जिसके ज़रिए वो बात कर रहा है एसी से, इधर उसको टेम्परेचर चेक कर रहा है हवा का यहाँ पे, और एसी को बता रहा है कि अच्छा यार कमरे के यानी एक कोने में एसी पड़ा हुआ है तो दूसरे कोने में क्या टेम्परेचर हो चुका है इस वक्त, और फिर एसी अकॉर्डिंगली क्या होता है, यहाँ जब 22 होता है ना फिर वो ट्रिक होता है, फिर ये जब ऊपर आता है वापस ऑन हो जाता है। तो थर्मोस्टेट ना ये चीज़ होती है कि मतलब एसी का जो जो सेंसर है टेम्परेचर चेक करने वाला, उसको एसी के अंदर से निकाल के, मतलब निकाल के नहीं, एडिशनल एक सेंसर यहाँ लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो ये जो थर्मोस्टेट की फ़ोटो मैंने आपके सामने भी खोली हुई है, इसमें देखो 70, असल में ये फॉरन हाइट में लिखा हुआ है तो असली 70 है, ठीक है, वरना 19 है ये तो सेंटीग्रेड में 19 है। तो अगर मैंने थर्मोस्टेट पे जाके ना, थर्मोस्टेट में देखो बटन लगा हुआ होता है ये वाला, ये तो स्मार्ट वाला है ना, ये मोबाइल ऐप से सेट होता है, लेकिन ये इसका मोबाइल, ये बगैर मोबाइल ऐप वाला है, तो इसको मैं ऊपर नीचे करके ना मैंने बोला यार 19 पे इसको सेट करो, तो बस वो एसी को बताता रहेगा कि यार इधर 19 हो गया कि नहीं हो गया, जैसे ही इधर 19 हो जाएगा एसी को रोक देगा वो। सही है, और इसमें फिर डिफरेंट किस्म की लॉजिक्स होती हैं कि अच्छा यार ऐसे करके प्रोग्राम करो, ऐसे करके करो, थर्मोस्टेट में मैं टाइमर वगैरह भी सेट कर सकता हूँ कि अच्छा यार फिक्स 7 बजे एसी को खुद ही ऑन कर दो, इस तरह के सारे काम ना थर्मोस्टेट से हो जाते हैं, समझ आई थर्मोस्टेट की। अब थर्मोस्टेट इस एसी से कैसे कनेक्ट है, थर्मोस्टेट चल के तो नहीं जा रहा, बटन प्रेस तो नहीं कर रहा, तो एपीआई कोई ना कोई इस एसी की एक्सपोज है जब भी वो कनेक्ट हो रहा है इससे। सही है, इसी तरीके से आपका जो लैपटॉप है, लैपटॉप का यूज़र इंटरफेस क्या है, बटन है इसके ऊपर, माउस लगा हुआ है, पावर बटन है, और वॉल्यूम का बटन समटाइम होता है, एक स्क्रीन लगी हुई है, ये सब का सब इसका यूज़र इंटरफेस है जिसके ज़रिए यूज़र इससे बात करता है। अब इसकी एपीआई कौन सी वाली है, लैपटॉप की एपीआई होगी ना कोई ना कोई, वाईफाई है, ठीक है, वाईफाई इस वजह से एपीआई है काइंड ऑफ कि एक राउटर और लैपटॉप की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, ब्लूटूथ है, वायरलेस जो माउस होता है वो एक्चुअली किसी एपीआई के थ्रू ही कनेक्ट हुआ होता है, तो दो मशीन जब भी आपस में बात करती हैं ना तो वो एपीआई के ज़रिए ही बात करती हैं। अच्छा, एपीआई ज़रूरी नहीं है कि वायरलेस हो, वायर्ड एपीआई भी हो सकती है तारों के ज़रिए, ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी का यूज़र इंटरफेस तो हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टेयरिंग होता है, ब्रेक होता है, एक्सेलेटर होता है, गाड़ी की एपीआई भी होती है। आपने वो टोयोटा वगैरह के शोरूम का भी जाने का इत्तेफाक हुआ, तो अब जब गाड़ी लेकर जाते हैं ना, अगर वो इंजन की लाइट दे रहा है, कुछ दे रहा है, इस तरह का कोई इशू आया है, तो वो एक छोटा सा एक डिवाइस निकालता है और उस डिवाइस की जो तार है ना वो गाड़ी के डैशबोर्ड में लगाता है, ठीक है, तो प्रोग्रामेटिकली ना वो डिवाइस गाड़ी से बात करती है और गाड़ी उसको बताती है कि यार मेरे अंदर ये मसला है। देखा है? अरे कुछ नहीं देखा तुमने, फिर तो यार दिखा देता हूँ। डायग्नोस्टिक स्कैनर, पता नहीं इस तरह का कुछ नाम होता है, ये इसका पोर्ट होता है, इस तरह का होता है, ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ होती है ये गाड़ी में, देख रहे हो उसको लगाया हुआ है इसने। अच्छा, डिफरेंट गाड़ियों में डिफरेंट जगह होता है, कुछ में डैशबोर्ड में लग जाता है, कुछ में बोनट खोल के उसके अंदर लग रहा होता है, ठीक है, देख रहे हो, ये इसने डैशबोर्ड पे लगाया हुआ है, ये देखो डैशबोर्ड पे लगा के ना, और ये और गाड़ी में भी सॉफ्टवेयर भी चल रहा होता है, पता है आपको,
अगर आपकी गाड़ी का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए तो गाड़ी आपकी फिर स्टार्ट नहीं होती। अभी वाली जितनी भी हैं टोयोटा GLI XLI की बात हो रही है, मतलब कोई ऑडी वॉडी BMW की बात नहीं, और ये टोयोटा की बात हो रही है। ये जो 660 आपकी जापानी गाड़ियाँ हैं इनमें भी सॉफ्टवेयर होता है। जितनी भी EFI गाड़ी है ना उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर चल रहा होता है जो जाहिर है इंजेक्टर वगैरह सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। जब हम एक्सीलेटर, पहले तो होता ना एक्सीलेटर दबाते थे एक वायर होती थी और पीछे कार्बोरेटर में ऐसे वो खिंच रहा होता था तो थ्रॉटल बनता था, वो तो ख़त्म हो गया ना, अब ज़माना चेंज हो गया, अब तो इंजेक्टर होता है, अब तो EFI सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ड्राइव हो रही होती है गाड़ी। तो जितनी भी इस वक्त EFI गाड़ियाँ हैं यानी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड गाड़ियाँ जो हैं, जिसमें XLI GLI वगैरह, अभी नई वाली ऑल्टो जो है 660 मीरा वीरा ये सब शामिल है उसके अंदर, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर अगर करप्ट हो जाए तो भी डैशबोर्ड के अंदर एक जगह होती है वहाँ पे तार लगा के ना और लैपटॉप से करके फिर उसमें सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज़ इंस्टॉल होती है ना काइंड ऑफ, उस तरह से इसमें इंस्टॉलेशन होती है दोबारा से, ठीक है। तो वो गाड़ी की क्या है, वो API है, लेकिन वो API वायरलेस नहीं है, वो तार वाली है, ठीक है। ये जो डिवाइस लगा के बैठा हुआ है ये एक मशीन है और गाड़ी भी एक मशीन है, ये दो मशीनें आपस में बात कर रही हैं। तो दिस इज़ एन API। वेल, तो हमने काफ़ी डिटेल में API को डिस्कस कर लिया कि API असल में होता क्या है। तो मैंने इसमें ना एक API एक्सपोज की थी वेदर वाली। अब इस API को मैंने कॉल करना है किससे, अपनी React की एप्लीकेशन से इसको मैंने कॉल करना है, सही है। अच्छा, तो ये मेरे पास एक React की एप्लीकेशन बनी हुई है जो लास्ट क्लास में हमने बनाई थी, और इसमें क्या लिखा हुआ था इस React की ऐप में, ये था ना, हाँ, आई एम ए हेलो वर्ल्ड फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन ला ब्ला ब्ला, इस तरह लिखा हुआ है, सही है। तो अब मैंने क्या करना है इसके अंदर, जैसे नॉर्मल API हम कॉल करते हैं, अच्छा हम एक वेदर ऐप पहले भी बना चुके हैं, तो मैं क्या करता हूँ उस वेदर ऐप से जाके ना वो चीज़ें सारी उठा के ले आता हूँ जो फॉर्म वॉर्म बना हुआ था वो, ताकि मुझे दोबारा बनाना ना पड़े, थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाए। तो कौन सा था भाई वो, डायनेमिक एंड रीयूजेबल कंपोनेंट फॉर्मिक के अंदर है, ट्विटर कॉपी में था। अच्छा, इस क्लास में हमने वेदर ऐप नहीं बनाई है ना, शायद वेदर ऐप हमने कभी नहीं बनाई ना, क्या बनाया, नहीं संडे वाली क्लास में, संडे वाली क्लास, सॉरी वीकडे वाले कितने लोग हैं जो यहाँ मर्ज हुए हैं, जो इस वक्त यहाँ कितने मौजूद हैं, अरे यार नहीं ये तो मर्ज ही नहीं हुई क्लास, ये तो वेब डेवलपमेंट वाली क्लास है ना, सॉरी मैं मिक्स हो जाता हूँ। अच्छा, तो यार इस क्लास में हमने वेदर ऐप नहीं बनाई। अच्छा, इस क्लास में भी बाय द वे कुछ लोग मर्ज हुए हैं ना दूसरे सेक्शन से, कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरे सेक्शन से मर्ज हुए हैं आगे। अच्छा, तो मतलब आप जिस सेक्शन से हैं उसमें वेदर ऐप आप लोगों ने नहीं बनाई है, यार इसमें क्यों नहीं मुझे मिल रहा फिर वेदर ऐप इस आपके कोड में, राउटर में होगा, नहीं यार एक मिनट, मेरे ख्याल ये जावास्क्रिप्ट वाले में ही होगा, डेट एंड टाइम लॉग इन साइन अप टास्क फंक्शन, जहाँ पे मेरे ख्याल है ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था वहाँ पे हमने ये बात पढ़ी थी ना, हाँ ये ऑब्जेक्ट ये रहा वेदर फॉरकास्ट विद डॉम, तो यहाँ पे हमने वेदर ऐप बनाई थी, उसके बाद रिएक्ट पे हमने दोबारा भी बनाई थी वेदर ऐप, राउटर में बनाई थी। अच्छा हाँ, ये वेदर का कंपोनेंट है इसमें, सही है, राउटर वाले के अंदर है वेदर का कंपोनेंट। तो ये मैं वेदर का पूरा कंपोनेंट ना यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, वेदर का पूरा कंपोनेंट मैंने वो पीछे वाली ऐप से, कौन सी वाली से उठा के लाया हूँ मैं, राउटर वाले से उठा कर लाया हूँ। अच्छा, फॉर्मिक वाले में भी है क्या, फॉर्मिक वाले में कंपोनेंट्स वेदर, हाँ है, तो सही इसमें भी, हाँ इसमें ये वैलिडेशन भी हुई है, सब कुछ हुआ है, तो मेरा ख्याल है शायद फॉर्मिक वाले से उठा लेते हैं, सही है, फॉर्मिक वाले से उठा लेते हैं, वैलिडेशन भी इसमें हुई है, सिटी नेम और यप डॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि असल में वो एडिट नहीं हुआ है। इसमें ट्विटर बना दिया था मैंने, अच्छा नीचे देख लेते हैं, ये है ना ऑन सबमिट, नहीं ये वेदर API कॉल हुई थी इसमें भी, वेल चलो छोड़ो, राउटर वाले में ऐसे ले जाते हैं, सिंपल है वो,
राउटर वाले में क्या ये फॉर्मेट लगा हुआ है? नहीं, फॉर्मेट नहीं लगा हुआ, इसमें सिंपल वेदर डेटा है, सिटी नेम है, और ये सिटी नेम उठा के हमने एपीआई पे भेजा हुआ है। सही है, ख़त्म हो गई बात। ये ऊपर वाला सब बंद कर देता हूँ जो जो मैंने ओपन किया हुआ, और वापस मैं क्या कहाँ पे आ जाता हूँ? आपका इस फोल्डर को डुप्लीकेट कर लेते हैं ना, ताकि पहले वाला जो है वो सेव रहे। अच्छा, इसका नाम क्या रख देते हैं? React Weather App with Express Web Server. सही हो गया। ठीक है, अभी मैं 4 में आ जाता हूँ, और बाकी का आप सारा काम हम क्या करेंगे, बस 4 वाले में करेंगे। हाँ, ये ऊपर जो लाइब्रेरी इस्तेमाल हुई हैं वो मुझे इसमें क्या करनी पड़ेगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी। और पोस्ट का एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को खैर हम हटा देते हैं, अभी हम यहाँ पे अपना बना लेंगे। अच्छा, तो मैं वेरी क्विकली मैं इसमें एक्सियोस इंस्टॉल कर लूँ। मैंने कहा CD5 टैब, CD4 टैब और NPM i एक्सियोस, सही है, ताकि इसमें एक्सियोस आ जाए। अच्छा, ये जो इसमें रिएक्ट की एप्लीकेशन बनी हुई है, ये सबको समझ आ रही है कि ये कैसे चल रहा है? हमारे पास एक यूज़ स्टेट है, एक यूज़ इफेक्ट है हमारे पास, राइट? यूज़ इफेक्ट तो यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, यूज़ स्टेट सिर्फ है। यूज़ स्टेट सब लोगों को पता है, सब लोगों को पता है यूज़ स्टेट क्या चीज़ होती है। अच्छा, कोई भी ऐसा है अगर इसको कन्फ्यूजन है यूज़ स्टेट में, तो जो हमारी पुरानी रिएक्ट की वीडियोज़ हैं उसमें हमने एक पूरी क्लास की थी सिर्फ इस टॉपिक पे यूज़ स्टेट, तो वो जाकर उसको एक्सप्लोर कर ले, ठीक है। एक्सियोस सबको पता है कैसे यूज़ होता है, और API HTTP रिक्वेस्ट करने के काम आता है वेब एप्लीकेशन से, ठीक है। तो हमने जब ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे JavaScript के ज़माने में, पहले हमने एरे पढ़ा था फिर ऑब्जेक्ट पढ़ा था, तो ऑब्जेक्ट पढ़ते हुए हमने ये डिस्कस किया था डिटेल में कि एक्सियोस क्या चीज़ होती है, तो वो भी उसकी भी वीडियो रिकॉर्डेड है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो है ना, इसको मैं कह देता हूँ ऐप, ठीक है, क्योंकि ये app.jsx में मैं काम कर रहा हूँ, तो ये मेरी ऐप के कंपोनेंट में ही मैं पूरा का पूरा काम कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बनाया हुआ है, वेदर डेटा और सेट वेदर डेटा, ये मैंने एक स्टेट तैयार की हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये स्टेट सबको समझ आ रही है कि क्या काम कर रही है। अच्छा, उसके बाद एक मैंने दूसरी स्टेट बनाई हुई है, सिटी नेम और सेट सिटी नेम। ये किसके लिए बनाया हुआ है, कि जब यूज़र इनपुट बॉक्स में टाइप करेगा तो वो रियल टाइम में इस जगह पे आ रहा होगा, इस स्टेट में आ रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे अगर हम आ जाते हैं, तो एक फंक्शन बना हुआ है जो कि सबमिट हैंडलर है। ये फंक्शन कब चलेगा, जब बंदा सिटी का नाम लिख के और सबमिट का बटन प्रेस करेगा, या गेट वेदर का बटन प्रेस करेगा, तो जब ये फंक्शन चलेगा। अभी इस फंक्शन को हम छोड़ते हैं, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ये असल में क्या है। अच्छा, नीचे एक अदद फॉर्म बना हुआ है, इस फॉर्म में एक इनपुट बॉक्स है, ऑन चेंज पे ये वैल्यू उठा के सिटी नेम में भेजता है जो ऊपर स्टेट बना हुआ था, एक सबमिट का बटन है यहाँ पर। उसके नीचे जो है यहाँ पे जो वेदर डेटा है उसमें ये कंडीशन लगी हुई है कि इफ़ वेदर डेटा इज इक्वल्स टू नल, तो कुछ भी ना दिखाया जाए स्क्रीन पे, अगर नल के अलावा कुछ भी हो तो ऐसे करके उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाए, राइट। और मैं इसमें तीन चीज़ें दिखा रहा हूँ, टेम्परेचर, मिनिमम और मैक्सिमम, तीन चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इन तीनों को फ़िलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि मेरे सर्वर पे मैंने जो लगाई थी चीज़ें उसमें ये तीनों मौजूद है या नहीं है। तो पहले इतने कोड को चला के देखते हैं, जो भी मेरे पास यहाँ सबमिट हैंडलर में डेटा आता है वो स्क्रीन पे कंसोल होगा, फिर अकॉर्डिंगली मैं उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करवा दूंगा। अच्छा, तो अब इसको ऐप को चलाने के लिए मुझे क्या करना होगा, npm start, ओ सॉरी, ये तो मुझे
सीडी करके वेब में जाना होगा ना, सीडी वेब और npm start, राइट। तो ये मेरी क्या चल गई, रिएक्ट की एप्लीकेशन रन हो गई। अच्छा, ये मेरी रिएक्ट की ऐप रन हुई है, लेकिन मेरा सर्वर अभी रन नहीं हुआ, तो मुझे अपने सर्वर को भी रन करना होगा, राइट। अच्छा, सर्वर को रन कैसे करूँगा, मैं इस फोल्डर में आ जाता हूँ, फोर React Weather App with Express App, इसमें आ जाता हूँ, और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, npm run dev, ठीक है। npm run dev क्या चीज़ है और कैसे काम करता है, ये हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, फ्रंट एंड रन हो रहा है अलग से। अच्छा, फ्रंट एंड किस पे रन हो रहा है अभी, डेवलपमेंट मोड में रन हो रहा है, राइट। डेवलपमेंट मोड में रन हो रहा है, जो सर्वर पे होस्टिंग करके कैसे होता है, वो तो बिल्ड बना के होता है, वो प्रोडक्शन मोड होता है, ठीक है। तो जब मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो मैं फ्रंट एंड को और सर्वर को अलग अलग रन कर रहा हूँ, राइट, ठीक है। लेकिन जब मैं इस कोड को पुश करूँगा तो पुश करने से पहले मैं बिल्ड बिल्ड चला के उसको प्रोडक्शन में कर दूँगा, ठीक है। तो अभी मैं कोड में जो कुछ भी लिख रहा हूँ, जो कुछ भी लिख के मैं पुश करूँगा, उसकी वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगी जब तक मैं npm run build नहीं चलाता हूँ, क्योंकि मेरे एक्सप्रेस पर वो किस फोल्डर को चला रहा होता है, वो बिल्ड के फोल्डर को चलाता है। तो अभी मैंने जो एक कंपोनेंट चेंज किया है इस वक्त, जाहिर है इसका जो रिफ्लेक्शन है वो बिल्ड के फोल्डर में नहीं गया है, जब तक मैं npm run build नहीं चलाऊंगा उसमें नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो अभी अब डेवलपमेंट वर्क फ्लो को ना इसके समझो सही कि कैसे हो रहा है। डेवलपमेंट के टाइम पे मैंने फ्रंट एंड को अलग से रन किया, सर्वर को अलग से रन किया, राइट। और प्रोडक्शन में क्या होगा, सिर्फ सर्वर होगा, उसी में से फ्रंट एंड भी आएगा, उसी में से बैक एंड भी आएगा। अच्छा, तो ये मेरे पास जो है ना ऐप रन होकर आ गई है, इसमें मैं कुछ भी लिखता हूँ, यानी मिसाल के तौर पे मैं इसमें कराची लिखता हूँ, और इसका वो कॉन्सोल भी ओपन कर लेते हैं कि क्या आ रहा है, और मैं गेट वेदर करता हूँ, तो ये मुझे वेदर कहाँ से ला कर दे रहा है, फिलहाल के लिए ओपन वेदर API से ला कर दे रहा है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, ये ओपन वेदर API को हटा दूँगा, और ओपन वेदर API को हटा के मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा लोकल होस्ट http://localhost और 5001, इसी पे चल रहा है मेरा सर्वर, 5001/weather, ठीक है, दैट्स इट। यही मेरी API है जो फिलहाल एक्सपोज्ड है वहाँ से। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करके यहाँ पे कुछ भी लिखूँगा, कराची XYZ, और गेट वेदर का बटन दबाऊँगा, तो मेरे पास एरर आ गया। अच्छा, ये एरर मेरे पास इस वजह से आ रहा है कि मुझे सर्वर में ना, अभी देखो चक्कर पता है क्या है, चक्कर ये है कि मेरा जो फ्रंट एंड है वो एक अलग URL पे चल रहा है, ठीक है, लोकल होस्ट 3000 पे, और मेरा जो सर्वर है वो एक अलग URL पे चल रहा है, लोकल होस्ट 5000 है, ठीक है। दोनों अलग अलग URL पे, अलग अलग डोमेन्स पे रन हो रहा है। तो ऐसा जब होता है ना, तो मुझे क्या करना पड़ता है, अपने सर्वर में एक छोटा सा एक दो लाइन का कोड लिखना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोर्स, ठीक है। तो मैं इसमें इम्पोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, ठीक है, कोर्स एक लाइब्रेरी है जिसको मैं क्या करूँगा, इंस्टॉल कर लूँगा अपने सर्वर में, सही है। मैंने कहा npm i कोर्स, एंटर, और इस कोर्स को मैं लगाऊँगा कैसे, ये बॉयलर प्लेट कोड है, हर दफ़ा आपको इसी तरह ही लिखना है इसको, app डॉट यूज, ठीक है, कोर्स, दैट्स इट, सही है। अब मैं इसको दोबारा से npm run dev कर दूंगा, ठीक है। अब जरा मैं इसको अगेन चला कर देखता हूँ, ठीक है, मैंने कुछ भी यहाँ पे लिखा, गेट वेदर दबाया, तो अब देखो मुझे इसने वो डेटा दे दिया। मुझे क्या चीज़ मिली है, तीन चीज़ें, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और सर्वर का टाइम, ये तीन चीज़ें मिली हैं मुझे, ठीक है। तो मुझे ये तीनों चीज़ें क्या करनी है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देनी है, या मैं कुछ और डेटा इसमें ऐड कर दूँ, क्या ख्याल है। मैं तीन चीज़ें कौन से डिस्प्ले करवाता था, वही तीनों भेजता हूँ ना इसको मैं यहाँ से, मिनिमम, मैक्सिमम और टेम्परेचर, सही है ना। मिन मैक्स इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, मिन 26, मैक्स 31, ठीक है। मैंने कुछ थोड़ा बहुत डेटा उसमें ऐड कर दिया, मिन मैक्स ऐड कर दिया, टेम्परेचर कर दिया, ह्यूमिडिटी और सर्वर का टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी, और यही चीज़ें मैंने क्या करना है यहाँ पे अभी डिस्प्ले करवाना है ना। इसको अनकमेंट कर देता हूँ मैं दोबारा से, ठीक है। टेम्परेचर में मैंने कहा कि भाई टेम्प के नाम से आ रहा है, सही है, टेम्प के नाम से आ रहा है। मिन जो है वो मिन के नाम से आ रहा है,
ठीक है, और मैक्स जो है वो मैक्स के नाम से आ रहा है, सही है। और ह्यूमिडिटी भी एक चीज़ आ रही है जो ह्यूमिडिटी के नाम से आ रही है, ठीक है जी, सही है। तो जो भी सर्वर से डेटा आ रहा था उसको मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। अब देखते हैं ज़रा, ये देखो डिस्प्ले हो गया यहाँ पर, ये सही है। अच्छा एन ए एम क्यों आ रहा है भाई, किस खुशी में? अच्छा इसको मैंने मैथ डॉट राउंड इसके ऊपर चलाया हुआ है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, एन ए एन हो जा रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वेदर डेटा सही तो है यार सब कुछ, अच्छा अभी सही हो गया, पता नहीं क्यों एन ए एन हो गया था बिला वजह। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये मेरे पास एक छोटी सी वेदर है, बन के तैयार हो गई है, ठीक है। ये फ्रंट एंड इसका किस पे बना हुआ है, रिएक्ट पे बना हुआ है, और बैक एंड इसका किस पे बना हुआ है, एक्सप्रेस के सर्वर पे बना हुआ है, ठीक है। और ये डेटा जो इस वक्त मौजूद है हमारे पास एक्सप्रेस के सर्वर से जो आ रहा है, ये डेटा एक डमी डेटा है, ये डेटा एक फेक डेटा है, ये रियल डेटा नहीं है, सही है। अच्छा अब मेरी डिवेलपमेंट जो थी ना मिसाल के तौर पर, वो क्या हो गई, मेरी डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको प्रोडक्शन पे लेके जाना है। प्रोडक्शन पे मैं कैसे लेके जाऊंगा, मैं अपने npm start को रोकूंगा, जो रिएक्ट वाला npm start है, यहाँ पे चलाऊंगा npm run build और enter। ऐसा करने से क्या होगा, मेरे पास build का फोल्डर जो है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। build का फोल्डर अपडेट हो गया, और उसके बाद मैं इस कोड को पुश कर दूंगा जहाँ पे भी मैंने पुश करना है। जैसे ही पुश करूंगा ऑटोमेटिकली साइक्लिक पे चला जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई वेदर ऐप कंप्लीटेड, ठीक है, और मैंने सारा का सारा कोड क्या कर दिया, पुश कर दिया यहाँ से, ठीक है। और जो मेरा अभी चलता हुआ जो सर्वर है, मेरा सर्वर कौन से पोर्ट पे चल रहा है, मेरी लोकल मशीन में, लोकल होस्ट 5001, राइट। तो अगर मैं इसको 5001 को चलाऊंगा तो अब मुझे प्रोडक्शन वाली ऐप नज़र आएगी, यहाँ पे डेवलपमेंट वाली ऐप नज़र नहीं आएगी। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मेरे पास ऐसे डेटा आ जाता है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ तक का काम तो अब हो गया मेरे पास। अब मैंने अगला काम क्या करना है, अगला काम मैंने ये करना है कि भाई मुझे सिटी का नाम भी भेजना है, सही है ना। अभी तो मैं बगैर सिटी के नाम के मैं ऐसे ही डमी डेटा ले आता था सर्वर से, ठीक है। तो मैं सर्वर के ऊपर मुझे फ्रंट एंड से डेटा भी भेजना है, फ्रंट एंड से मुझे क्या करना है, कुछ डेटा भी भेजना है। तो वो मैं कैसे भेजूंगा, फ्रंट एंड से तो मुझे पता है कैसे भेजूंगा मैं जहाँ पे URL है ना ये वाला, इसमें मैं क्या करूँगा स्लैश और यहाँ पे सिटी नेम, ठीक है। तो अब असल में अगर मैंने कराची लिखा है तो क्या होगा, लोकल उस 5001 स्लैश वेदर स्लैश कराची, इस तरह करके जाएगा। अच्छा एक चीज़ और, ये इतना पार्ट जो है ये मैं इस तरह नहीं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा बेस URL, राइट। बेस URL में एक अलग जगह पे बना रहा हूँ, ठीक है, बेस URL में किसी अलग जगह पे बनाऊंगा। अभी फिलहाल मैं इसी कंपोनेंट में बना रहा हूँ, लेकिन बेस URL असल में मैं कहाँ बनाऊंगा, अपने पूरी एप्लीकेशन की एक सेंट्रल लोकेशन पे, एक सिंगल वेरिएबल होगा जो पूरी एप्लीकेशन में एक्सेसिबल होगा, और वो सेंट्रल लोकेशन कौन सी है, कॉन्टेक्स्ट API, सही है, जो मेरी एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट होगा वहाँ पर होगा वो, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई index.js में या app.js में अगर कोई वेरिएबल बना हुआ है तो वो वेरिएबल पूरी एप्लीकेशन में एक्सेसिबल नहीं होता है, जो कंपोनेंट के अंदर बनाया गया वेरिएबल है वो उसी के अंदर एक्सेसिबल होता है, ठीक है। देर इज़ ओनली वन प्लेस जो सब जगह से एक्सेसिबल है, दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट API दो अलग अलग चीज़ें, कॉन्टेक्स्ट वो है जहाँ पर डेटा स्टोर है, और कॉन्टेक्स्ट API वो है कि उस डेटा को चेंज कैसे करना है, सही है। तो वो कॉन्टेक्स्ट API उसको बोलते हैं प्यार से, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, लेकिन इसको यहाँ नहीं बनाएंगे हम, कॉन्स्ट बेस URL इक्वल्स टू, ठीक है, 5001, ठीक हो गया। अच्छा ये 5001 वाला काम मुझे कब करना है, जब मैं लोकली सर्वर को रन कर रहा हूँ, राइट। जब मैं लोकली सर्वर को रन कर रहा हूँ, जब मैं प्रोडक्शन में रन कर रहा हूँ ना, तो मैं दोनों डोमेन सेम होगा मेरे, सर्वर का भी और फ्रंट एंड का भी। तो उस सूरत में जो है ना मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ऐसे करके हिट करना है, मुझे URL पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर आके बता देता हूँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक लॉजिक लगा दूँगा कि अगर मेरा जो फ्रंट एंड है
वो लोकल होस्ट पे अगर चल रहा है तो ये बेस यूआरएल लगाओ, अदरवाइज बेस यूआरएल खाली छोड़ो। यही करूँगा ना मैं, तो मैं यहाँ पे करूँगा कि भाई बेस यूआरएल शुरू में होगा एम्प्टी, सही है, बेस यूआरएल शुरू में एम्प्टी होगा, और इफ सही है, अब ये इफ पे कौन सी लोकेशन वो होगी मेरी, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ, राइट, ऐसा ही होता है ना, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ मुझे क्या देता है, कौन बता सकता है, जो भी यूआरएल है ना मेरा वो मुझे मिल जाता है रिएक्ट के अंदर, जब मैं ये लिखता हूँ जाके, ये जावास्क्रिप्ट में लिखता हूँ मैं विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ, तो मुझे ये मिल जाता है। अब मैं क्या करूँगा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच रेफ डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट किससे कर दूंगा मैं इसको, कॉलन से स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, गौर से देखो, तो ये कॉलन जहाँ जहाँ पर है ना वहाँ से इसको ये कट करके एरे में कन्वर्ट कर देगा, पहला HTTP, उसके बाद कॉलन था वो नहीं आया, फिर ये, फिर उसके बाद एक और कॉलन था यहाँ पे, तो उसने तीन जगह पे काट के कर दिया, ठीक है। अच्छा मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट वाला पार्ट चाहिए, तो मैं इसके आगे लगा दूंगा 0, तो मुझे HTTP मिल गया, जब साइक्लिक पे होगा ये तो क्या मिलेगा मुझे, HTTPS, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर ये वाली बात HTTP ये दे रहा है ना मुझे, अगर मुझे ये वाली चीज़ इक्वल्स इक्वल्स मिलता है HTTP, तो फिर इसका मतलब है लोकल चल रहा है, तो सर्वर भी लोकल हिट करो आप, और अगर ऐसा नहीं है तो बेस URL मेरा खाली रहेगा, दैट्स इट, बेस URL खाली रहेगा तो सही चलेगा, सही है। अच्छा अभी इस पूरे को मैं सारा साइक्लिक पे ले जाके दिखाता हूँ कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, साइक्लिक पे हमने कैसे भेजा था लास्ट टाइम, कौन सी रिपोजिटरी बनाई थी लास्ट टाइम, हमने कौन सी रिपोजिटरी बनाई थी, याद है किसी को नाम उसका, ये बनी API इंटीग्रेशन एग्जांपल वेदर एप सर्वर, अच्छा है तो ये वही सही है ना, मतलब क्लास में नहीं बना, हाँ तुम्हारी क्लास में नहीं बना ये एक्चुअली, इसमें प्लेन HTML पे बना हुआ है, हाँ तो बताओ फिर कौन सा था, नहीं अंदर वाला तो फिर साइक्लिक से कनेक्ट नहीं होता ना, होगा तो वो रूट पे ही, बट चलो सही है इसी पे कर देते हैं ना, API इंटीग्रेशन वाले पे ही कर देते हैं, ये किसी ना किसी साइक्लिक की ऐप से कनेक्टेड होगा आई गेस, सही है, नहीं होगा तो कर देंगे, तो मैंने इसको कॉपी किया, इसको क्लोन कर लेते हैं, और ये पूरा का पूरा कोड, जाहिर है अभी इतनी सारी ऐप्स हैं ना एक साथ ये होस्ट नहीं होगा वरना उसके ऊपर, ठीक है, ये एरर क्यों दे रहा है भाई गोल सा, इसमें एरर किस बात का आ रहा है यार, एक मिनट, यार मुझे VS कोड को ना बंद करके खोलना होगा असल में, ये शायद ग्लिच हो रहा है VS कोड में, ग्लिच हो रहा था, सही हो गया, बिला वजह रेड हुआ था ये, एरर दिखा रहा था। अच्छा जी GitHub के अकाउंट में लास्ट कोड कब पुश किया था, ये ऑप्शन आ रहा होता है, हाँ मतलब ओवरव्यू पे चला जाऊँ, यहाँ लास्ट क्लास की क्या डेट थी बताओ, 25 को तो कोई कोड पुश नहीं हुआ,
फ्राइडे को था 25 ही था, लेकिन 25 को तो कोई कोड ही नहीं पुश हुआ, 26 भी नहीं है, 27 है। API इंटीग्रेशन एग्जांपल वेदर ऐप सर्वर, बस सही है ना, इसी में कर रहे हैं ना, अभी जो मैंने कॉपी कर लिया उसी में कर रहे हैं, सही है, API इंटीग्रेशन वाले पे कर रहे हैं। ये इस पे लगा हुआ भी है, सही है, ये इसमें बना हुआ है, असल में क्लोन हुआ हुआ है पहले से, सही है, तो मैंने इसी को ही ओपन कर लिया। अच्छा, तो अब यहाँ से इसको जल्दी से हम फाइनलाइज करते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट मेरी कंप्लीट हो गई है पूरी की पूरी, और मैंने अब क्या करना है, मैंने अब कहना है कि इसमें पहले चलो जाऊँगा, तो हाँ क्या नाम बताओ, बस चलो छोड़ो, अभी मैं इसमें कर रहा हूँ, छोड़ो खैर हो गई मसले में। अच्छा, तो मैं ये सर्वर है मेरा, सर्वर के बाद मैं CD वेब में जाऊँगा और वेब में जाके npm रन बिल्ड चला दूँगा, सही है, npm रन बिल्ड जैसे ही मैं चलाऊँगा तो बिल्ड के फोल्डर में ना कुछ चेंजेस आ जाएंगी मेरे पास, सही है, ये देखो बिल्ड के फोल्डर में ना कुछ फाइलें जो है वो चेंज हो गई हैं, और ये npm रन बिल्ड चलाने के बाद मैं क्या करूँगा, ये पूरा का पूरा जो मेरा सेटअप था ना पूरा सर्वर का, ये पूरा का पूरा उठा के मैं कहाँ ले जाऊँगा, कॉपी, और इधर ले जाके उसको पेस्ट कर दूँगा, इसमें जो कुछ भी पहले से उसको मैंने डिलीट किया और ये सारा का सारा कुछ पेस्ट कर दिया यहाँ पर। सही है, ये सारा कुछ पेस्ट हो गया, इसको मैं पुश कर देता हूँ, ये मैंने पुश कर दिया, अब जो मेरा ये वाला कोड था ये कहाँ पहुँच गया है, इस रिपोजिटरी में पहुँच गया है, तो मैंने जस्ट चेक करना है कि हाँ यार मेरा कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो मैं जाता हूँ साइक्लिक पे, मैं साइक्लिक पे आ गया और मेरा ख्याल है ये वाला है, देखते हैं इसमें ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो गया होगा अगर ये वाला है तो, सही है, ठीक है, ऑल कोड हो गया डिप्लॉय, सही है, इसका गिट का वो देख लेते हैं कोड, अभी जो कोड इसमें पुश हुआ है उसका ये उसका हैश है, ठीक है, ED4 है लास्ट में इसके, देख लेते हैं यहाँ पे भी यही वाला है क्या नहीं है, सही है, ED4 है, तो ये मतलब पुश हो चुका है इसके अंदर, तो अब मैं क्या करूँगा, इसका ये इल पिंक गोरिल्ला में जिसने दिया हुआ है राइट, तो इस इल पिंक गोरिल्ला को मैं चलाकर देखता हूँ कि क्या देता है मुझे ये, ठीक है, ये मेरी ऐप सही चल गई है बिल्कुल, ठीक है, मैं कॉन्सोल पे चला जाता हूँ जाके, सॉरी नेटवर्क पे जाके देखता हूँ कि तमाम फाइलें सही तरह लोड हो रही हैं या नहीं हो रही, सही है, तमाम फाइलें सही तरह लोड हो रही हैं, अब मैं इसमें कुछ लिखता हूँ और लिख के गेट वेदर करता हूँ, तो ये वेदर का डेटा आ गया और ये NAN क्यों हुआ दोबारा यार, ये क्या बकवास है, अच्छा ये NAN इस वजह से हुआ है कि ओके, असल में ये NAN इस वजह से हुआ है कि मैंने ना ये फ्रंट एंड में जो लगा दिया ना ये क्या कहते हैं ये सिटी नेम जो लगा दिया मैंने लास्ट में, तो वो अब सर्वर पे मैच ही नहीं हो रहा, उधर सर्वर पे तो मैंने सिटी नेम लगाया ही नहीं है, तो सिटी नेम हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, सही है, सिर्फ वेदर तक रखता हूँ जो बना हुआ है एक्चुअली, ठीक है, नहीं नहीं दूसरी ऐप नहीं, यहीं पे उसको कर लेते हैं, यहाँ पे भी इसको क्या कर देता हूँ मैं, मेरी कहाँ गई वेब एप्लीकेशन, ठीक है, यही हुआ है ना असल में, यहाँ पर मैंने लगा दिया है वो सिटी नेम जो कि वहाँ पर अभी तक सर्वर पे ये चीज़ मौजूद नहीं है, npm run build चलाना होगा मुझे, उसके बाद ही मैं पुश कर सकता हूँ, npm run build, सही है, npm run build चलाऊंगा, जो build के फोल्डर में जो भी चेंजेस होंगी वो देखो इधर आ गई हैं चेंजेस, ठीक है, मैंने कहा फिक्स और फिक्स करके मैंने
इसको पुश कर दिया, राइट? सही है, ये मैंने चेंजेस किस में किए हैं, जो टेम्प्रोरी रिपोजिटरी है ना, जो साइक्लिक से कनेक्टेड है, मैंने उसमें चेंजेस किए हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे आके ज़रा मैं उसको जब रीलोड करता हूँ, पहले तो डिप्लॉयमेंट देखता हूँ यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया। डिप्लॉयमेंट ये फिक्स जो मैंने करके भेजा था वो पहुंच गया है यहाँ पर। अब इसको मैं क्या करूँगा, हार्ड रीलोड करूँगा, एम टी कैश हार्ड रीलोड। और अब मैं यहाँ पे कुछ लिख कर इसको गेट वेदर करूँगा तो ये डेटा मेरे पास सही आ गया। अब क्या रिक्वेस्ट जा रही है यहाँ से, अब यहाँ पे ये स्लैश वेदर की ही रिक्वेस्ट जा रही है। पहले रिक्वेस्ट क्या चली जाती थी, स्लैश वेदर स्लैश कराची, पहले ये रिक्वेस्ट चली जाती थी, सही है, इस वजह से वो सही गेट नहीं कर पा रहा था। वेल तो जितना कोड हमने लिखा था उसको हमने साइक्लिक पे डिप्लॉय करके देख लिया और बिल्कुल सही चल रहा है। तो साइक्लिक को बंद कर देते हैं, इन सब चीज़ों को बंद कर देते हैं, ये जो अलग से मैंने रिपोजिटरी क्लोन की थी इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, सही है, और वापस अपने मेन कोड पे आ जाते हैं, जो मेरा डेवलपमेंट का कोड है उसके ऊपर मैं आ जाता हूँ, सही है जी, ये मेरे डेवलपमेंट के कोड पे मैं आ गया। अच्छा, अब अगला काम मुझे क्या करना है, इस API में ना मज़ीद चेंजेस करनी है, और वो चेंजेस क्या करनी है मुझे, वो चेंजेस मुझे ये करनी है, यहाँ पे पैरामीटर मैंने इनपुट लेना है, सही है। तो अब वो इनपुट पैरामीटर मैं कैसे लूँगा, दो तरीके से इसमें इनपुट लिया जा सकता है। सर्वर पे मेरे पास दो तरीके ऐसे हैं जिससे मैं इनपुट ले सकता हूँ। नंबर एक, URL पैरामीटर, सही है, यानी कि स्लैश और सिटी नेम, सही है, ऐसे करके मैं ये इनपुट लूँगा। तो अब ये URL मेरा जो हिट होगा ना वो कैसे होगा, स्लैश वेदर और स्लैश कराची। अच्छा, ये डबल कॉलन जो मैंने लगाया हुआ है ये सिर्फ सर्वर पे लगेगा, ये फ्रंट एंड पे ये डबल कॉलन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी हमें, ठीक है। अच्छा, ये गेट कैसे होगा, फिर ये गेट ऐसे होगा, मैं बोलूँगा कि यार पैराम, सही है, और ये मुझे मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट सिटी नेम करके मिलेगा मुझे, सही है, राइट? अच्छा, ये पैराम्स में दो भी हो सकते हैं मेरे पास, स्लैश करके मैं ऐसे एक और भी लगा सकता हूँ, ठीक है, कि एरिया कोड मिसाल के तौर पे, सही है, एरिया कोड ऐसे लगा सकता हूँ मैं। तो फिर क्या होगा कि स्लैश वेदर स्लैश कराची स्लैश 021, मतलब कोई भी दूसरा पैरामीटर हो सकता है। तो वो फिर मुझे कैसे गेट होगा, अगर मैं दूसरा एरिया कोड लगाता हूँ तो मुझे एरिया कोड इस तरह से ऐसे करके गेट होगा, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट एरिया कोड। लेकिन मेरे केस में मुझे सिर्फ अभी फिलहाल एक की ज़रूरत है, तो मैं ये दूसरा वाला लगाने की फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये जब आपको ये मिल गया ना सिटी नेम, तो अब इस सिटी नेम के बिहाफ पे मिसाल के तौर पे आप डेटाबेस से इसी सिटी का वेदर लेकर आएंगे मे बी। तो जो भी आपको इनपुट्स यहाँ पे चाहिए ना, तो आप एक तो पहला तरीका है ये वाला, ठीक है। दूसरा तरीका जो आपका है वो क्या है, वो क्वेरी पैरामीटर है। क्वेरी पैरामीटर जो है वो किस तरह से भेजा जाता है, क्वेरी पैरामीटर इस तरह भेजा जाता है। अच्छा, ये मैंने बना दिया ना, इसकी मैं एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, http:// localhost 5001/weather/Karachi, ठीक है। तो दिस इज क्या, ये क्या है, ये है URL पैरामीटर, सही है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, क्वेरी पैरामीटर, सही है, क्वेरी पैरामीटर में पूरा URL इसी तरह होगा, लेकिन कराची इस तरह नहीं भेजूंगा, फिर मैं लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क और मैं लिखूंगा सिटी इक्वल्स कराची। ये मैंने क्या भेजा, क्वेरी पैरामीटर के जरिए भेजा। अच्छा, अगर मुझे URL पैरामीटर में भेजना होता तो मैं ऐसे 021 भेजता, राइट, ऐसे मतलब सेकंड भेजना होता, एक कराची भेज रहा हूँ मैं और दूसरा एक और भेज रहा हूँ मैं, सेकंड दो भेज रहा हूँ। अच्छा, अगर इस तरह भेजूंगा तो उसको रिसीव कैसे करता, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सही है। रिसीव इसको मैं इस तरह करता है कि स्लैश सिटी नेम और स्लैश 021 नहीं लिखता हूँ मैं, कुछ और लिख देता हूँ, जिप कोड भेज देता हूँ, सही है, 7560, राइट, सही है।
मैंने जिप कोड लिख दिया, ठीक है, ताकि उसी नाम से मैं रिसीव करूंगा ना फिर जिप। तो देखो सिटी नेम और जिप दो चीज़ें मैं एज ए इनपुट ले रहा हूँ, किसमें, यू आर एल पैरामीटर में। तो मैं फ्रंट एंड से ऐसे कॉल करूंगा और बैक एंड में उसको इस तरह से रिसीव करूंगा। अच्छा, अगर यही चीज़ मैं क्वेरी पैरामीटर में करूंगा तो फिर मैं कैसे करूंगा, फिर मैं ये आगे कुछ भी नहीं लगाऊंगा इस तरह से, ऐसे करके मैं इसमें कुछ भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ये सिंपल वेदर ही लिखा जाएगा। और यहाँ पे नीचे आऊँगा मैं, और नीचे आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे आने के बाद मैं कहूँगा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट सिटी, राइट। और ये सेकंड वाला अगर मैं यहाँ से एक और भेजूंगा ना, तो मैं क्या लगाऊंगा, एम परसेंट। देखो क्वेश्चन मार्क से, ये गौर से बहुत देखो ये, वरना बाद में समझ में नहीं आता फिर ये। देखो ये पहला पैरामीटर मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैंने जब दूसरा भेजना है ना, तो मैं ये एम परसेंट लगाऊंगा एंड एंड करके, सही है, एंड एंड करके मैं जितने चाहूँ भेज सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा zip equal 75600, सही है, और ये मुझे मिलेगा इस तरह करके zip, सही है। मैं बल्कि इसमें console.log का भी इजाफा कर देता हूँ, ताकि वो पता चले एग्जैक्टली ना रनिंग कोड हो, ठीक है। तो मैं कॉन्सोल पे असल में प्रिंट करवा रहा हूँ सिटी को और zip को, जो मैंने किसके ज़रिए भेजी है, क्वेरी पैरामीटर्स के ज़रिए भेजी है। अच्छा, इन दोनों इनपुट में फ़र्क क्या समझ आ रहा है तुम लोगों को? अगर मैं फ्रंट एंड से API कॉल कर रहा हूँ, फ्रंट एंड से API कॉल करने करते वक्त मैं दो तरीके से डेटा भेजने का ऑप्शन है मेरे पास, एक URL पैरामीटर, एक क्वेरी पैरामीटर। इन दोनों में क्या फ़र्क समझ में आया अभी तक, क्या आइडेंटिफाई किया है? ऐसे चलो मैं बता देता हूँ। देखो एक में ये है कि सिर्फ वैल्यू भेज रहे हो आप और वो सीक्वेंस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पहले कराची है और फिर जिप है, तो जिप पहले और कराची बाद में नहीं हो सकता, क्योंकि सीक्वेंस मैटर कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि जैसे एरे होता है ना, एरे में क्या होता है, सिर्फ वैल्यू वैल्यू होती है, कॉमा सेपरेटेड, तो सीक्वेंस पे मैटर कर रहा होता है, तो यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करेगा। अगर मैं 75600 को पहले कर दूंगा ना, तो वो सिटी में मिलने लग जाएगा मुझे, तो सीक्वेंस यहाँ पे मैटर कर रहा है और सिर्फ वैल्यूज हैं। ऑन अदर हैंड क्वेरी पैरामीटर में सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर मैं ये सिटी को शुरू से उठाऊँ, यहाँ से कट करूँ, ठीक है, और मैंने जिप देखो पहले लिख दिया, और यहाँ पे मैं एम परसेंट लगा के और सिटी लिख दूँ, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, ठीक है, कि जिप इक्वल 75600 ही है, चाहे वो पहले है या बाद में, इट डजेंट मैटर। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे की और वैल्यू पेयर पेयर में, आपस में यहाँ पे क्या है, की और वैल्यू पेयर पेयर में, ऊपर सिर्फ वैल्यू थी तो सीक्वेंस पर डिपेंडेंट थी, ये सीक्वेंस पर डिपेंडेंट नहीं है, सही है। तो ये इसके अंदर फ़र्क है, जहाँ पे आपके पास ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं तो आप की वैल्यू पेयर भेजने की कोशिश करते हैं, ताकि सीक्वेंस आगे पीछे होने से मसला ना हो, सीक्वेंस पर डिपेंड। जहाँ पे सिर्फ एक डेटा होता है, एक डेटा पॉइंट या दो डेटा पॉइंट होता है, सही है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, URL पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। URL पैरामीटर एक और भी रीज़न होता है URL पैरामीटर यूज़ करने का, जैसे मिसाल के तौर पे आप अपनी फेसबुक की जब प्रोफाइल खोलते हैं तो क्या लिखा हुआ है, facebook.com/ आपका यूज़र नेम, ठीक है, आपका यूज़र नेम। और अगर किसी पोस्ट का आप URL कॉपी करते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, फेसबुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें कुछ इस तरह का URL होता है कि facebook.com/ आपका यूज़र नेम / पोस्ट / और पोस्ट की आईडी। अब इसमें कितने URL पैरामीटर हुए, तीन कैसे हुए, दो हुए, facebook.com/ आपका जो यूजर नेम था वो पहला पैरामीटर सीक्वेंस में, ये पहला पैरामीटर / पोस्ट, पोस्ट तो फिक्स है, URL का पार्ट है, वो पैरामीटर नहीं है, पोस्ट के बाद / डाल के पोस्ट की आईडी, जो कि आपकी पोस्ट है, समझ रहे हो, तो रिलेशन समझ रहे हो। ये चीज़ क्वेरी पैरामीटर में रखते तो भी सही था, लेकिन इट डज मेक मोर सेंस इन URL पैरामीटर के, भाई आपकी आईडी है / आपके पोस्ट की आईडी है, ठीक है, ये कराची है और / zip है, ठीक है, तो इट डज मेक मोर सेंस।
तो समझ रहे हो, बहुत सारी जगहों पे मैं URL पैरामीटर यूज करने में मुझे ज्यादा सेंस बनता है, तो मैं वहां पे URL पैरामीटर यूज करूंगा। ठीक है, सम टाइम क्या होता है वैल्यूज ज्यादा होती हैं और इस तरह का कोई रिलेशन नहीं होता उनमें आपस में, तो फिर हम उसमें क्वेरी पैरामीटर यूज कर लेते हैं। सही है, स्टिल आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, आप दोनों में से जो चाहे चूज कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे आपके गिवन सर्कमस्टांसेस में। अच्छा, नंबर तीन है बॉडी। एक साथ भी लिख सकते हैं कुछ, आपने दो डेटा पॉइंट्स आपने URL पैरामीटर में दे दिए, उसके बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगा के और यहाँ पे आपने लिख दिया कि भाई नेम इक्वल्स अली, सही है, एंड एज इक्वल्स 23। ठीक है, तो ये देखो इसमें URL पैरामीटर्स दो हैं और उसके बाद दो क्वेरी पैरामीटर्स भी हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, आप दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं कुछ केसेस में। ठीक है, कुछ केसेस में क्या, जहाँ पे आपके सूटेबल लगे कि दोनों साथ में यूज़ होना चाहिए आप करें मतलब। ठीक है, अच्छा एक तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है बॉडी, राइट। अच्छा, बॉडी में आप क्या कर रहे होते हैं, ये URL पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर ना ये सिक्योर नहीं होते, गौर से इस चीज़ को समझिएगा, बाद में ये फिर समझ नहीं आता। ये URL पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर सिक्योर नहीं होते ये दोनों। अगर आपको कोई सिक्योर डेटा भेजना है तो आप क्या करेंगे, आप URL पैरामीटर में या क्वेरी पैरामीटर में नहीं भेजेंगे उसको, सही है। अच्छा, तो फिर आप कहाँ पे भेजेंगे, एक मिनट यार, अच्छा सिक्योरिटी का इसमें क्या इशू है, मिसाल के तौर पे जब ये URL ना, मैंने यहाँ से हिट किया URL और क्या होता है कि वो राउटर से होता हुआ जाता है, बीच में आपके इंटरनेट के कनेक्शन वाला होता है, इंटरनेट की शॉप वाला, फिर ISP होता है, फिर सब वो सबसे गुजर के जाता है ना, तो URL हर कोई देख सकता है, URL हर कोई देख सकता है, तो ये URL पैरामीटर चूँकि URL का पार्ट बन के जा रहा होता है तो ये डेटा पब्लिक होता है। मतलब मैं अगर कराची का वेदर गाइड कर रहा हूँ तो रास्ते में सबको पता चल रहा है कि मैं कराची का वेदर गाइड करने लगा हूँ, सही है। इसी तरह क्वेरी पैरामीटर जो होता है वो भी क्या होता है, वो भी URL का पार्ट बन के जा रहा होता है अल्टीमेटली। देखो ये पूरा मिला के पूरा URL है ना, तो ये भी सबको रास्ते में नज़र आ रहा होता है, ये भी रास्ते में सबको क्या आ रहा होता है, नज़र आ रहा होता है कि अच्छा यार ये पैरामीटर्स भेजे जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं मिसाल के तौर पर लॉगिन कर रहा हूँ, ईमेल और पासवर्ड भेज रहा हूँ, तो वो तो मैं URL पैरामीटर में नहीं भेज सकता, वरना पासवर्ड तो देख लेगा रास्ते में कोई, राइट। तो उसको मैं भेजूंगा बॉडी के अंदर। अच्छा, बॉडी के अंदर जब मैं भेजूंगा तो मैं URL क्या कॉल करूंगा, URL में इस तरह से कॉल करूंगा फ्रंट एंड पे, इसके URL में कुछ भी नहीं होगा, सही है। और URL के साथ साथ ना मैं साथ में क्या भेजूंगा, एक ऐसे JSON की बॉडी भेजूंगा, है। अच्छा, ये इधर देख नहीं रहा, तो क्या करें यार, इसको एंड करते हैं आज, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है लेकिन तुम लोगों को यहाँ प्रोजेक्टर पे भी तो दिखना चाहिए ना। वेल, तो हम क्या करते हैं कि उसको सिंपल URL करके हम वहाँ से URL को हिट करते हैं और उस URL के साथ ना एक बॉडी बना के भेजते हैं। वो कैसे भेजते हैं वो एग्जॉस्ट से हम करके देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैंने सिटी नेम भेजना है तो मैं लिखूँगा, मतलब JSON लिखूँगा, मैं सिटी नेम लिखूँगा और उसके अगेंस्ट कराची ऐसे करके लिख दूंगा, ठीक है। और जैसे JSON का JavaScript का ऑब्जेक्ट जैसे बनाते हैं, इसी तरह मैं इसमें zip लिखूंगा एक और कॉलन डाल के आगे मैं 75600 ऐसे करके zip लिख दूंगा। बॉडी सिक्योर होती है, बॉडी जब फ्रंट एंड से निकलती है तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में निकलती है, सही। अच्छा, बाय द वे एक चीज़ और भी समझ लें आप गौर से, बॉडी सिक्योर सिर्फ वहाँ पर होगी जहाँ पर HTTPS लगा हुआ है, अगर HTTP में S नहीं लगा हुआ तो बॉडी भी सिक्योर नहीं है। ये SSL होता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है SSL, ठीक है। जहाँ पे साइक्लिक पे आप जहाँ पे होस्ट करते हैं ना, वो आपको SSL फ्री में दे देता है, आपको पता नहीं चलता, ठीक है। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ है,
वेल जहाँ पे भी आप होस्टिंग करेंगे ना, चाहे वो फ्री हो या पेड हो, SSL आपको फ्री में मिल जाता है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन ये आप अच्छे से समझ लें कि अगर किसी भी वजह से आपके पास वेबसाइट जो खुली हुई है ना URL, उसमें एस नहीं लगा हुआ अगर, तो आपकी बॉडी भी सिक्योर नहीं है, वो भी रास्ते में दिखेगी सबको जाते हुए, ठीक है? क्योंकि बॉडी निकलेगी इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होगी, फिर प्लेन जा रही होगी, ठीक है? तो पैकेट्स के अंदर वो कोई भी उसको रीड कर सकता है। वेल तो जब बॉडी आमतौर पर निकलती है आपके कंप्यूटर से, आप रिक्वेस्ट करते हैं बॉडी में जो डेटा रख के भेजते हैं, जब वो निकलता है, जैसे facebook.com पे जब आप लॉगिन का पेज पे होते हैं और लॉगिन का बटन दबाते हैं ईमेल पासवर्ड लिख के, तो वो बॉडी में रख के भेजता है उस ईमेल पासवर्ड को, सर्वर तक पहुंचाता है, ठीक है? तो जब सर्वर पे डेटा पहुंचता है तो वो किस में होता है? इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, और सर्वर पे पहुंचने के बाद वहां पे हमें उसको पार्स करना होता है, ठीक है? उसके लिए हम एक छोटी सी लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बॉडी पार्सर, या एक्सप्रेस का एक अपना भी एक बिल्टन है, उसमें हम कहते हैं express.json। तो अगर हम सर्वर पे बॉडी को पार्स नहीं करेंगे तो बॉडी मुझे अवेलेबल नहीं मिलती है, ठीक है? तो बॉडी में डेटा जब भेजते हैं तो थोड़ा सा एडिशनल काम करना होता है। अच्छा, बॉडी में डेटा भेजना थोड़ा सा हैवी होता है इसके नस्बत, क्योंकि बॉडी में जो डेटा भेजते हैं वो पहले इनक्रिप्ट होता है, फिर डिक्रिप्ट भी होता है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, प्रोसेसिंग पावर थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, लेकिन वो इतना काउंट नहीं करते उसको, ठीक है? लेकिन जस्ट आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा हैवी होता है जो आप बॉडी में डेटा भेज रहे होते हैं, सही है? तो हमने ये तीन तरीके देखे हैं कि फ्रंट एंड से अगर आपको डेटा सर्वर तक पहुंचाना हो तो ये तीन तरीके हैं, दो नॉन सिक्योर तरीके हैं यानी कि नॉर्मल तरीके हैं, और एक हमारा जो है जो बॉडी वाला तरीका है वो क्या है? वो सिक्योर तरीका है, ठीक है? AC का बटन दबा दो यार, पीछे खड़े होगी कोई, जो सबसे पीछे बैठा है वो दबाओ। अच्छा, तो अब इन तीनों तरीके में से मुझे मेरे केस में वेदर ऐप में कौन सा वाला तरीका बेस्ट है मेरे लिए? क्वेरी पैरामीटर, URL पैरामीटर या बॉडी? नहीं, इस केस में आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा वाला सही है, बेस्ट है? मेरा ख्याल है कि weather/Karachi जो है वो सेट है, क्योंकि एक ही डेटा पॉइंट है ना, दो तीन डेटा पॉइंट भी नहीं है, और एक डेटा पॉइंट ऐसा है, कोई ऐसी सिक्योरिटी का भी इशू नहीं है, मतलब कराची के वेदर में गेट कर रहा हूँ तो मतलब कौन सी बड़ी बात होगी, सही है? अगर ये मेरा सिटी रास्ते में जाता तो कोई देख ले तो वो कोई इशू नहीं है, कराची सबको पता है कि एक सिटी का नाम है कराची, सही है? तो कोई ऐसा सिक्योरिटी का इशू नहीं है, कोई ऐसा सेंसिटिव डेटा नहीं है उसके अंदर, कोई मेरा पासवर्ड नहीं है, सिटी का नाम है, दैट इज़ वेरी कॉमन थिंग, ठीक है? कुछ केसेस में शायद आप ये चाहते हो कि नहीं यार, किसी को यार ये क्यों इतना बज रहा है फ़ोन मेरा, ये चल गया, उसका बटन तो प्रेस कर दो यार।
मैं यार बस 5 मिनट में ना ख़त्म कर रहा हूँ क्लास, तो बस फिर मैं तुझे कॉल करता हूँ। मैं इधर ही हूँ, गुलशन में ही हूँ। अच्छा भाइयों, यार हम बस आज बहुत डिस्टर्बेंस हो गई है क्लास में ना, तो ये बॉडी में जो भेजने का तरीका है ना, यूआरएल में सिंपल कॉल करूँगा फ्रंट एंड से अपने, ठीक है, अलग से जेसन, एक जेसन भेजूंगा, अलग से एक ऑब्जेक्ट भेजूंगा जावास्क्रिप्ट का, और मैं उसको बैकएंड के ऊपर गेट कैसे करूँगा, ऐप डॉट गेट, और ये सिंपल वेदर लिखूंगा इसको मैं, और सिंपल वेदर लिखने के बाद मैं क्या करूँगा उसको ऐसे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सिटी करके भेजूंगा, सॉरी सिटी नहीं, सिटी नेम, जो यहाँ से भेजा है उसी नाम से मुझे मिलेगा, राइट, जो यहाँ से मैंने भेजा है ना जेसन उसमें उसी नाम से मिलेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सिटी नेम। अच्छा ये मुझे उस सूरत में मिलेगा, यहाँ पे मुझे सर्वर पे ना पार्स करना ज़रूरी होगा बॉडी को, तो जब भी मैंने यहाँ पे कमेंट भी ऐड किया है कि पार्सिंग बॉडी इज मस्ट ऑन सर्वर, सही, कि सर्वर पे मुझे बॉडी को पार्स करना मेरे लिए ज़रूरी रहेगा, ठीक है, और बॉडी को मैं पार्स कैसे करूँगा वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ऐप डॉट यूज, ठीक है, एक्सप्रेस डॉट जेसॉन, ठीक है। पहले हम एक ज़माना था बॉडी पार्सर नाम की एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये मैंने कमेंट में लिखा है, लेकिन मैं एक्चुअल में ये लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसॉन, राइट, तो ये मैंने यहाँ पे बॉडी को पार्स करने का जो कोड था वो भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। अच्छा बॉडी जेसन में भी हो सकती है, बॉडी की और भी टाइप्स होती हैं, लेकिन हम चूँकि REST API को फॉलो कर रहे हैं तो हम जेसन बॉडी ही में डील कर रहे होंगे, राइट। अच्छा तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ, ये तो मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पर लिख कर बता दी कमेंट्स में कि अच्छा यार ये 3 तरीके हो सकते हैं फ्रंट एंड से डेटा सर्वर तक लाने के। अच्छा मैं इनमें से कौन सा तरीका यूज़ कर रहा हूँ, URL पैरामीटर वाला तरीका यूज़ कर रहा हूँ, सही है। अच्छा URL पैरामीटर वाला तरीका यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ, इस पैरामीटर को यहाँ पे, मतलब इस पैरामीटर में जो भी कुछ मुझे मिलता है उसको यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ, और जो मैं रिस्पॉन्स भेजूंगा ना उसमें सिटी नेम क्या रख के भेजूंगा मैं, यही वाली चीज़ जो फ्रंट एंड से भेजी है ना मुझे, ये वाली चीज़ रख के भेजूंगा मैं, सही है। अभी एक्चुअल में होगा क्या कि इस पैरामीटर के बिहाफ पे ना मैं डेटाबेस से मैं वही वाला डेटा निकालूंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर अभी मैं इंशाल्लाह करड़ एप्लीकेशन बनाएंगे तो हम उसमें क्या करेंगे कि जैसे अभी के स्टूडेंट पोर्टल की आप मिसाल लें, तो अगर एक स्टूडेंट लॉगिन होता है तो प्रोफाइल के ऊपर उसका डेटा लाके मुझे शो करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा शो, ये जैसे facebook.com/ आपका यूज़र नेम आता है, सही है, तो आपके यूज़र नेम पर वो आपका डेटा लाता है। मिसाल के तौर पर आप लिखेंगे ना facebook.com/MNZAMAMMALIK, लॉगिन हालांकि आप है लेकिन URL आपने क्योंकि मेरा लिखा तो मेरा डेटा डिस्प्ले होगा आपके सामने जो भी पब्लिक मैंने अवेलेबल किया था, ठीक है। तो इसी तरीके से जब facebook.com/MNZAMAMMALIK जब यहाँ पे लिखा जाएगा तो डेटाबेस से MNZAMAMMALIK का डेटा एक्सट्रैक्ट करके response.send में भेजा जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास कोई डेटाबेस वगैरह नहीं है तो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है जी। तो अब इसको ज़रा हम चला के देख लेते हैं, इसको चला के कैसे देखेंगे हम, अभी हम दोबारा से इसको साइक्लिक पे डिप्लॉय नहीं करेंगे, डेवलपमेंट में ही इसको हम रन करके देख लेते हैं। डेवलपमेंट में कैसे रन करूँगा मैं, इसको डिलीट कर देता हूँ, नहीं बिल्ड नहीं करूँगा मैं npm रन, सही है, मैं cd करके पहले सर्वर पे जाऊँगा उसको सर्वर को रन करूँगा, फ्रंट एंड पे जाऊँगा फ्रंट एंड को रन कर दूँगा। तो मैंने कहा cd 5 टैब, cd 4 टैब, सही है, तो ये मैं सर्वर में आ गया, npm run dev, ये मेरा सर्वर रन हो गया, राइट, सही है, ये मेरा सर्वर रन हो गया। और अब मैं क्या करूँगा cd web करके और npm start कर दूंगा तो ये मेरा फ्रंट एंड रन हो गया, सही है, दोनों चीज़ें रन हो गई मेरी। ये मेरा फ्रंट एंड किस पे चल रहा है, लोकल होस्ट 3000 पे, यानी कि डेवलपमेंट पोर्ट में ये चल रहा है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, अब मैं यहाँ पे लिख के भेजूंगा लाहौर और गेट वेदर, यार ये क्या हो रहा है, मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट गई कैसी है। यहाँ पे क्लिक करने से ये रिक्वेस्ट जो जा रही है, फ्रंट एंड पे मैंने सिटी नेम नहीं लिखा ना, सर्वर पे लिख दिया है मैंने सिटी नेम, तो अब क्या हो रहा है एक्चुअली वो सिर्फ स्लैश वेदर जब भेजता है ना तो क्या होता है, वो मुझे मिल ही नहीं रहा, मतलब वो कह रहे हैं कि सर्वर पे इस नाम का कोई राउट नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर्वर पे अब स्लैश वेदर और स्लैश सिटी नेम के साथ भेजूंगा जब ही वहाँ पे पहुँचेगा। तो मैं यहाँ पे आके स्लैश और सिटी नेम ऐसे करके भेजता हूँ।
ठीक है, तो अब ये सेट हो जाना चाहिए। सही है, इसको मैं एम्प्टी कैशे कर लेता हूँ ताकि पुरानी चीज़ें ये भूल जाए। लाहौर और एंटर, तो ये मुझे देखो ये इसने भेज दिया। अच्छा, अब ये मेरे डेटा में लाहौर भी आ रहा होगा जो कि कॉन्सोल पे मैं देखूंगा तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, सिटी नेम लाहौर भी आ रहा है, तो मैं काम करता हूँ। क्यों चला गया यार, ऐसा क्या हुआ? सही है, तो मैं क्या करता हूँ, सिटी नेम को भी प्रिंट करवा देता हूँ। मैंने कहा भाई सिटी, और मैं थोड़ा राउंड लगाने की ज़रूरत नहीं है सिटी, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा है। और टेम्प की जगह मैं क्या लिखूँगा, सिटी। सही है, किस सिटी के नाम से ही आता है ना, तो बस सही है। अच्छा, सेंटीग्रेड भी हटेगा ना इसमें, लाहौर सेंटीग्रेड क्या होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि न्यू यॉर्क और एंटर, तो ये बोलेगा सिटी न्यूयॉर्क है, टेम्परेचर 30 है, मिनिमम और मैक्सिमम इतना है। सही है। अच्छा, ये हमने ना, हमारा मकसद इस ऐप को बनाने का ये नहीं था कि हम एक वेदर एप्लीकेशन बनाएं, हमारा मकसद इस ऐप को बनाने का ये था कि हम क्या करें, जो एपीआई हमने बनाई है उसको हम रिएक्ट की ऐप से हिट करके देखें कि वो कैसे चक्कर चलता है सारा। ठीक है, तो ये हमने छोटा सा काम जो है वो कम्प्लीट कर लिया है अभी। अच्छा, अब अगला काम हमारा क्या है, अगला काम हमारा ये है कि हम एक करंट ऑपरेशन करेंगे। अच्छा, REST API के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं वो आप पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़ा है मैंने, हाँ, तो पहले हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर रहे होंगे, हम इस क्लास में जैसे ही आएंगे हम एक नई एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम करंट ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे। और पहले हम जो API हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे हम डिस्कस किया हमने कि हम एक वेब सर्वर बना रहे हैं, एक्सप्रेस पे बना रहे हैं, और उस सर्वर की APIs एक्सपोज कर रहे हैं। तो API एक्सपोज करने के ना कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। REST API इज वन ऑफ दोज सेट ऑफ रूल्स। REST API के अलावा SOAP API भी होती है, और कौन सी होती है, XML APIs होती हैं, और भी पता नहीं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। REST API इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो 5 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं या 5 ऐसे रूल्स हैं जो अगर आपने API बनाते वक्त फॉलो किए हैं तो आप अपनी API को RESTful API कह सकते हैं, रिगार्डलेस कि वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनी हुई है, रिगार्डलेस कि वो PHP पे है, रिगार्डलेस कि वो C# पे बनी हुई है, ठीक है। अगर वेब सर्वर की APIs को एक्सपोज करते वक्त 5 ऐसे रूल्स हैं, आपने अगर उसको फॉलो किया है तो आप अपनी API को क्या कह सकते हैं, RESTful API। तो अब हमने क्या कर लिया, वेब सर्वर बनाया है, JavaScript पे, Node.js पे बनाया है, Express का फ्रेमवर्क यूज़ किया है, और API कौन सी वाली बनाने जा रहे हैं, RESTful API। अच्छा, REST या RESTful एक ही बात है, ठीक है, कहीं पे आपको REST API मिलेगा, कहीं पे आपको RESTful API मिलेगा, ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में 5 प्रिंसिपल्स ऑफ REST API को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए एक करंट ऑपरेशन हम करेंगे, ठीक है, एक टू डू ऐप बना लेंगे हम, या काइंड ऑफ एक हम कोई एक पेज बना लेंगे, एक रिएक्ट की ऐप बना लेंगे, जिसमें प्रोडक्ट करंट ऑपरेशन क्या होता है, क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट, ये 4 ऑपरेशन होते हैं। तो मतलब एक पेज होगा जिसमें प्रोडक्ट ऐड हो रही होगी, डिलीट हो रही होगी, मॉडिफाई हो रही होगी, और रीड हो रही होगी, ठीक है, रीड मतलब डिस्प्ले हो रही होगी, ठीक है। तो ये 4 ऑपरेशन हम करेंगे उन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है जी। चलें, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे नेक्स्ट क्लास में।